पता है गधा भी हार्डवर्क करता है ना, कितना हार्डवर्क करता है वो, लेकिन वही स्थिति बनी हुई उसकी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है ना गधे के हार्डवर्क में। तो आप मुझे बताइए कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, क्या करना होगा जो हार्डवर्क से डिफरेंट काम क्या करना होगा, बताओ आप सोचो। क्या बोल रहे, स्मार्ट हो, चलो स्मार्ट प्रीफिक्स जोड़ते हैं, स्मार्ट हार्डवर्क। स्मार्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है स्मार्ट? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि क्या जरूरत है, बताइए मेहनत के लिए। स्मार्ट हार्डवर्क हमने बोला, क्या मतलब होता है स्मार्ट हार्डवर्क से? स्मार्ट हार्डवर्क से सिंपल चीज मतलब है कि आपको इफिशियंट होना पड़ेगा। इफिशियंट समझते हो, इफिशियंट समझते हो आप लोग, क्या होता है इफिशियंट का मतलब? मिनिमम टाइम में, मान लो कि आप 2 आवर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और इसमें आपकी जो आउटपुट है वो इक्वल टू एक दूसरे बंदे से है जिसकी आउटपुट कितनी है, वो 8 घंटे में उतनी ही आउटपुट देता है। तो यही तो स्मार्ट हार्डवर्क है। स्मार्ट हार्डवर्क अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो सबसे ज़रूरत ये होता है कि आप क्वेश्चंस देखो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? जैसे कि मान लेते हैं SSC CGL में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 आते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है, लोग इसको छोड़ देते हैं, ऑलमोस्ट पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? लगातार नहीं पढ़ते, रोज़ नहीं पढ़ते हैं। रोज़ नहीं पढ़ने के कारण क्या हो जाता है, ये जब लास्ट में पढ़ोगे ना आप 10 दिन में 15 दिन में, तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। इसलिए रोज़ पढ़ना जरूरी है। जो भी इंसान कंसिस्टेंट है, जो रोज़ पढ़ रहा है, उसको सफलता मिलेगी 100%, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी जॉब टफ नहीं है, SSC की जॉब हो, CDS की जॉब हो, PCS की जॉब हो, IAS की जॉब हो, टफ नहीं अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। IAS सबसे टफ एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ भी आपको रोज़ पढ़ने वाले कम ही मिलेंगे, है ना। तो आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। और आप लोग जो क्वेश्चंस पेपर है उसको साथ रखो लास्ट ईयर के 10-15 साल के, और रोज़ उसको देखो कि आप उसमें से क्या आपको कैसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी एग्ज़ाम आने वाला है क्या जी का, PCS का, कितने दिन बचे हैं, कौन सा PCS आने वाला है, बिहार PCS, राइट, BPSC, बहुत कम दिन बचे हैं, 30 दिन भी नहीं बचा है। लेकिन कोई बच्चा अभी से भी करेगा ना स्ट्रेटजी वाइज तो ही विल क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। करेंट के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30-35। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्लास में आप लोग नहीं थे कुछ लोग, तो थोड़ा सा देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। Chandrayaan-2 मिशन आप लोगों ने सुना है, लॉन्च हुआ है, ठीक है, सुने हो आप Chandrayaan-2, क्या है Chandrayaan-2, थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट क्लास को, ठीक है, बताइए क्या है Chandrayaan-2, कोई मुझे बताएगा Chandrayaan-2 मिशन क्या था? सुना है इसका नाम? एटलीस्ट ये मत बोलो कि नाम नहीं सुना है, नाम सुना है, क्या है ये? AC आवाज़ कर रही है, हाँ क्या बोल रहे, गर्मी लगेगी फिर, बाकी उधर वो चल रही है, बस केवल ये चल रही है, वो भी बंद है, एक उसको चालू कर दो, इसको बंद कर सकते हो। बताओ जल्दी से क्या मिशन है ये? ये Chandrayaan मतलब चांद, मून के लिए मिशन था, ठीक है, मून के लिए। ये लास्ट क्लास हमने किया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्या था इसमें। मून के लिए मिशन था, तो हम लोगों ने क्या भेजा था, एक रॉकेट भेजा था, कहाँ भेजा था रॉकेट, चंद्रमा पे, ठीक है, मून पे रॉकेट भेजा था। इस रॉकेट के अंदर क्या था, इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, कुछ उपकरण थे, समझ रहे हो, जिसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कौन सी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके आसपास घूमती हो उसको सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ भेजा गया था, पहला ऑर्बिटर, सेकंड लैंडर,
लैंडर और थर्ड रोवर। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये रॉकेट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कुछ हाइट पे जाने के बाद ये जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पेस डेब्रिस। डेब्रिस मतलब क्या होता है, मलबा। घर टूटता है तो मलबा देखे हो, ईंटा पत्थर पड़ा होता है, वही ये टूट जाता है। और चूंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर होता है ये, तो ये क्या होता है, धरती पे नहीं गिरता है, ठीक है। तो स्पेस में ही रहता है ये। इसके बारे में आपको अभी एक चीज़ पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, ये पार्ट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये खुलता है और इसके अंदर से ये पार्ट निकलता है। ऑर्बिटर और लैंडर ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटर और लैंडर ऐसे जुड़े होते हैं। ऑर्बिटर भी कुछ ऊपर जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये लैंडर अलग हो जाता है। कितने तारीख को अलग हुआ था ये, 7 सितंबर को, 7 सितंबर, राइट, एम आई राइट, सही हूँ मैं, रात को तकरीबन 1:30-2 बजे। और आपने यही न्यूज़ सुना होगा कि इस लैंडर को ना मून पे जाना था, लैंड करना था, है ना। ये लैंड नहीं हो पाया। क्यों नहीं लैंड हो पाया, साइंटिस्टों ने इसको ऐसा बनाया था कि इसको लैंड करना था, ये चंद्रमा का सतह है, तकरीबन 7 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से लैंड करना था, ठीक है। और इसके स्पीड को उनको कंट्रोल करना था, समझ रहे हो मेरी बातों को, कोई दिक्कत, इसके स्पीड को उनको कंट्रोल करना था। जब ये ऑर्बिटर से अलग हुआ लैंडर, जिसका नाम था विक्रम, जब लैंडर अलग हुआ तो इसकी स्पीड थी तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो। कोई बॉडी 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से किसी को हिट करेगी, क्या होगा उस बॉडी को, है ना। फिर भी टूटा नहीं है हमारा लैंडर, जिसको विक्रम कहते हैं। लैंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लैंड करने वाला था, ठीक है। ये लैंडर था, ये देखो, ये लैंडर था, ठीक है। इसको चंद्रमा के सतह पे लैंड करना था। इसकी स्पीड थी तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर पर आवर और ये चंद्रमा की तरफ जा रहा था स्पीड से। और इससे ना हमारा संपर्क टूट गया। किसका संपर्क टूट गया, कौन सा है हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब काम करता है, इसरो काम करता है, ठीक है। बेंगलोर में लोग बैठे थे, संपर्क टूट गया इसका। संपर्क टूट गया तो क्या हुआ, इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए। और स्पीड इसकी कम हुई थी क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम फिट हुआ था कि अगर हमारा कॉन्टैक्ट टूट भी जाए तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो कंट्रोल हुआ लेकिन फिर भी इसकी स्पीड को क्या नहीं हो पाई, जो हम चाहते थे। क्या थी स्पीड हमारी चाहने वाली, 7 किलोमीटर प्रति आवर। इससे क्या हुआ, ये जो हिट किया ना, थोड़ी सी स्पीड से हिट किया, इस कारणवश क्या हो गया, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। और ये टिल्टेड है, ये इस शेप में पड़ा हुआ है वहाँ पे मून पे। इसको ऐसे गिरना था, आना था, लेकिन ये ऐसे गिरा हुआ वहाँ पे। अब ये हमें कैसे पता चला कि इस शेप में है, ये ऑर्बिटर ने फोटो खींचा, ये जो ऑर्बिटर हमारा, ठीक है। ऑर्बिटर कहाँ पे है, मून से 100 किलोमीटर के दूरी पे ऑर्बिटर है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, पहला चीज़ आपको याद रखना एग्जाम के लिए कि कितने तारीख को लॉन्च हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 15 को होना था लेकिन उसके बाद 22 को हुआ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है कि लैंडर का नाम क्या था, लैंडर का नाम था विक्रम साराभाई और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वो लोग आपसे नहीं पूछेंगे। गर्मी लग रही है, इसी काम नहीं कर रहा आपको ना। ओके, इंडिया का स्पेस मिशन के अंतर्गत हमारे इसरो ने डिसाइड किया है कि हम क्या बनाएंगे, स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। कब तक बनाने की बात हो रही है, 2022 तक। यहीं पे गलती कर दोगे आप और एक मार्क्स गया, 2022 तक नहीं है, ठीक है। ये देखो एक चाइना का मिशन है, ये देखो टियांगोंग, ये क्या है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, इसको लिखो कि ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है जो कि 2022 तक लॉन्च होने वाला है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, चाइनीज स्पेस स्टेशन 2022 तक लॉन्च हो जाएगा और इंडियन स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है।
ये इम्पोर्टेंट डेट था 2030 तक, ठीक है। ओके, अब स्पेस स्टेशन मैंने बताया था क्लास में, स्पेस स्टेशन क्या होता है? मैंने बताया था धरती के आपके तीन ऑर्बिट होते हैं जनरली, ठीक है। धरती के तीन ऑर्बिट होते हैं, सबसे नज़दीक वाले ऑर्बिट को कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट और अपर या हायर कह सकते हो, हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। जो भी स्पेस स्टेशन है, स्टेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे गाड़ी रुकती है, ठीक है। जो भी स्पेस स्टेशन होता है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, क्लियर है बात को? स्पेस स्टेशन समझते हो आप लोग? जैसे कि एक स्पेस स्टेशन जो बहुत कॉमन है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, नाम सुना है, अमेरिका का है, अमेरिका के साथ बाकी कंट्री ने भी कंट्रीब्यूट किया है। अब क्या है कि वो ना धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ की उम्र होती है। तो इसको लेके एक प्रॉब्लम है कि चाइना ने तो अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक तो कर देना है, ठीक है, लॉन्च कर देना है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अमेरिका इनसे हो सके हेल्प ना ले और ये अमेरिका को हेल्प ना करे, इसलिए यहाँ पे जो इंडिया का स्पेस स्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम स्पेस स्टेशन बनाते हैं तो एक कमरे की तरह होता है, वो ऊपर स्पेस में होता है, एक कमरे की तरह होता है और वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे ऐसी व्यवस्था होती है कि इमरजेंसी के केस में अगर कोई रॉकेट आ रहा है, कोई अंतरिक्ष यात्री आ रहे हैं तो उनको वो मदद कर सकता है, ठीक है। क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर होता है तो ये क्या होता है, रुका होता है, स्टैग्नेटेड होता है, ठीक है, स्टैग्नेटेड होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये डेट नहीं भूलना आपको, भारत स्पेस स्टेशन कब तक लॉन्च करने का बात बोला है, 2030 तक, ठीक है। फिर हमने एस 400 मिसाइल्स को डिस्कस किया था, ठीक है, एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कहाँ से ले रहे हैं, किस देश से हम लोग ले रहे हैं? रसिया से। रसिया से हम खरीद रहे हैं इसको, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि हम किस देश से एस 400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, तो रसिया नामों को याद है, कंफ्यूज होते हैं बेसिकली इसराइल और रसिया के बीच में, क्योंकि इसराइल से हम बहुत सामान खरीदते हैं, ठीक है। इसराइल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उससे भी हम काफ़ी सैन्य की चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। फिर हमने एक ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पता है आपको ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट? देखो बीचेस पे ना, जो बीच साफ होती है ना, उन पे एक इंटरनेशनल स्कीम चल रहा है कि जो भी बीच साफ होंगी उस पे ब्लू कलर की फ्लैग लगेगी, ठीक है, एक झंडा लग जाएगा ब्लू कलर का। उससे क्या होगा, जो भी यात्री होंगे उनको क्या पता चलेगा कि जो बीच है साफ सुथरा और सुरक्षित है, ठीक है। तो ये स्कीम है, आपको याद रखना, ब्लू फ्लैग अगर आ जाए तो याद रखना ब्लू से मतलब होता है पानी ब्लू होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरा बीच के लिए ये स्कीम चल रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था खेलो इंडिया गेम्स, डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, खेलो इंडिया गेम्स 2020 जो है वो गुवाहाटी असम में होने वाला है। आप लिख सकते हो उसको, लिख लो प्लीज, लिखो खेलो इंडिया गेम 2020 गुवाहाटी असम में होगा, ठीक है, खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया गेम, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए, हाँ, उन्होंने लॉन्च किया है। बेसिकली खेलो इंडिया गेम के पास पर्पस ये था कि हमारे देश से ना, पूरे देश से टैलेंट नहीं निकल रहा था, एक हरियाणा एक बेल्ट है जहाँ से काफ़ी टैलेंटेड लोग निकलते थे, उसके बाद पूरे देश से नहीं निकल पाते थे। देश से क्यों निकल पाते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल को हैं उनको ट्रैप करना बहुत जरूरी होता है, जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं, जो भी मान लो कि स्कूल के बच्चे 15-16 साल के हैं, ठीक है, 15 साल के आसपास है, अगर उनको आप ट्रैप करते हो तो आपको लगता है कि वो 20-21 जा जाते हैं बहुत अच्छा खेल खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में संसाधन और सोर्स कितनी कमी है कि बच्चे बहुत लेट से खेलना स्टार्ट करते हैं।
आप देखोगे आपके गांव वगैरह में, घर में तो देखोगे खेल की बात ही नहीं होती है, इनफैक्ट खेल लिया तो पिट जाओगे तुम लोग, है ना। पिताजी शाम को कहते थे खेलना नहीं पढ़ने बैठ जाओ, है ना। तो एक कहावत है बड़ी पुरानी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, उल्टा है लेकिन, है ना। अब आप एग्जांपल दोगे पापा विराट कोहली को देखो, एक थप्पड़ लगाएंगे वो विराट कोहली है, है ना। विराट कोहली के बारे में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आपको मैं बताना चाहूँगा, विराट कोहली के पिताजी की डेथ हो गई थी, है ना, और बॉडी पड़ी हुई थी घर पे, और वो क्रिकेटर ऐसा है, ऐसा इंसान है कि जाके टेस्ट मैच खेल के आया था, 80-90 रन मार के आया था वो, समझ रहे हो, डेडिकेशन देख रहे हो आप। अगर ऐसी डेडिकेशन आपके लाइफ में नहीं होगी तो यहाँ भी सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, आपकी पढ़ाई में भी ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए। भगवान ना करिए कि आपको इतनी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन आप तैयार रहो, छोटी मोटी जो मुसीबत आती है और आप घबरा जाते हो तुरंत, उसे घबराना नहीं है, बहुत छोटी मुसीबतें सबके ज़िंदगी में आती हैं, किसी की ज़िंदगी में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है जिसका नाम बदल दिया गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नॉर्मल चीज़ें हैं। विराट कोहली के नाम से स्टैंड किया गया है, एक स्टेडियम में क्या होता है, एक स्टैंड होता है जहाँ पे क्रिकेटर बैठते हैं, पूरे स्टेडियम का नाम तो कर दिया गया है अरुण जेटली, और इसका कर दिया गया है विराट कोहली, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल टाइगर डे बताइए, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ अगर सैंक्शन नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं कर सकती है, लेकिन अनुमति है कर सकते हैं वो लोग, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता है उनको। हमारा संविधान ऐसे बना है कि ज़्यादातर चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में है उसकी तो प्रभुता किसकी है, सेंटर की है, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट कर तो सकता है लेकिन ऐसा कोई कानून भी नहीं बना सकता जैसे सेंटर नहीं बना। जैसे मान लो कि इमरजेंसी लगी हुई है किसी स्टेट में, ठीक है, गवर्नर रूल आप लोग जानते हो लगता है, उस समय सेंटर जो स्टेट लिस्ट होता है वो भी किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास। तो सेंटर हमारा बहुत पावरफुल है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अनुमति होती है करने की, ऐसी नहीं है कि मान लेते बिहार में स्टेडियम है कोई स्टेडियम ना बिहार में, क्या नाम उसका, मोइल हॉकी स्टेडियम है शायद, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है नेम, लेकिन वही सेंटर की सैंक्शन चाहिए उसको, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया था, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने के आएगा कि नया जो सेंसस हुआ उसमें टाइगर कितने इंडिया में, हाँ यही 2900 कुछ में फंस जाओगे आप, आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कितना है टाइगर, इसको तो रट लो एकदम। देखिए ये है 2967 ये है, ठीक है, याद करना है, आपके पीसीएस में पूछ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस स्टेट में है, एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, एमपी में एक टाइगर रिजर्व है पेंच, सुना है नाम, पेंच एक रिवर है वहाँ पे, उसी के नाम से वहाँ पे टाइगर रिजर्व बना हुआ है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा लास्ट क्लास था, अब आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं, हाँ बताइए क्या, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है एकदम, ये तो थोड़ी बहुत एरिया टच करती है लेकिन एमपी में ही इसको माना जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आप लोग लिखिए, 11th डिफेंस एक्सपो, ये देखिए डिफेंस एक्सपो, 11th डिफेंस एक्सपो 11वां, ये लिखिए आगे लखनऊ में होगा, ठीक है, डिफेंस एक्सपो लखनऊ में, ठीक है। अच्छा क्या होता है डिफेंस एक्सपो, क्या होता है डिफेंस एक्सपो, हमारा यहाँ एक संस्थान है DRDO, नाम सुना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करती है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी असला बारूद होती है वो हमारे यहाँ DRDO बनाता है, ठीक है। अब आप देखते हो कि भारत हर एक दूसरे देश से कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, ठीक है, तो काफ़ी पैसा जाता है, तो धीरे धीरे हम भी इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि हम भी इस तरह के कारतूस आर्म्स एम्यूनिशन डेवलप करें कि दूसरे देश हमसे खरीदे।
इसी के लिए ये मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमने कौन कौन से चीज़ें डेवलप की हैं, और दूसरे देश के लोग आते हैं और जिनको पसंद आता है वो हमारे साथ डील कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसलिए डिफेंस एक्सपो किया जाता है, ठीक है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? क्या जी? लखनऊ में होगा, डिसाइड हुआ है कि कहाँ होगा, वेन्यू डिसाइड हुआ है, जगह डिसाइड हुआ है, कहाँ होगा अभी हुआ नहीं है। क्या बोल रहे? एक डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड, ये मुझे बताइए किस दो देश के बीच में होता है? लिखिए आगे, भारत और चाइना, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, लिखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या बोल रहे? सैन्य अभ्यास, बिल्कुल। कभी कभी किसी एग्जाम में वो लोग पूछ लेते हैं ये सैन्य अभ्यास दे देंगे, वायु अभ्यास है ना, या नेवल जो पानी वाला होता है, नौका वाला, वो दे देंगे, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, अब मुझे बताइए कि एग्रीमेंट हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, शिमला एग्रीमेंट, सुना है नाम? शिमला एग्रीमेंट का नाम सुना आप लोगों ने? कब हुआ था, किस साल हुआ था शिमला एग्रीमेंट? कब हुआ था शिमला एग्रीमेंट बताइए आप? शिमला एग्रीमेंट नहीं सुना है? सुना है ना शिमला एग्रीमेंट? अच्छा, शिमला एग्रीमेंट हुआ कहाँ था? शिमला एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर? कहाँ पे हुआ था शिमला एग्रीमेंट, किस जगह पे, किस शहर में? ऑब्वियस बात है शिमला में हुआ होगा, इतना कन्फ्यूज होने की क्या जरूरत है ना, शिमला एग्रीमेंट लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि शिमला एग्रीमेंट हुआ कब था और क्यों हुआ था, अगर आपको पता है तो। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली आपको याद होगा भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था 1971 में, याद है? भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है, और इधर बांग्लादेश है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इधर पाकिस्तान है यहाँ पे, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है, आज़ादी के बाद। और ये तो पाकिस्तान है ही, नापाक पाकिस्तान है कि नहीं, नापाक ही है। अभी क्या हो गया, इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा था और इनको भी प्रॉब्लम हो रहा था, ये बहुत अत्याचार करते थे यहाँ आर्मी वाले पाकिस्तान के। अब देखो, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बीच में हो और दो आपके दुश्मन दो तरफ हैं, आपके दुश्मन अगर दो तरफ से घेरे हो तो आपको दिक्कत होगी ना। तो ये चाहते थे कि मुझे आज़ादी मिल जाए, किससे? पाकिस्तान से। इंडिया को ये मदद के लिए बोले और इंडिया ने एग्री किया और आर्मी भेज के पूरा साफ करवा दिया। ये इनमें से जितने लोग थे, जितने सैनिक थे, तकरीबन 90,000 1,00,000 के आसपास, इनको भारत ने युद्धबंदी बना लिया, ठीक है, और भारत ने बोला कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, इंडियन आर्मी ने इसको बंदी बना लिया। उसके बाद ही जाके एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है आपको जो समझने की ज़रूरत है और आपके आगे भी काम आएगा, इस एग्रीमेंट का जो एक प्रोविज़न था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, इस एग्रीमेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों एग्री किए थे कि हमारी जो भी समस्या होगी हम दोनों ही मिल बैठ के बात करेंगे, कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा। आपने देखा हुआ हाल ही के दिन में जब 370 हटाया गया तो काफ़ी हंगामा हुआ, एक फिरकी सा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या कह दिया कि मैं इंडिया का प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, मुझे मोदी ने बोला है ना। इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो ये बात किसी से बोलते ही नहीं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि मोदी जी साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और हमारी जो समस्या है हम खुद ही सॉल्व करेंगे। और क्या हवाला दिया उस समय, ये बात बोलते समय क्या हवाला दिया? शिमला एग्रीमेंट का कहा, शिमला एग्रीमेंट में हमने वो किया है कि भाई हमारी प्रॉब्लम जो है हम खुद डील करेंगे। ये आपको याद रखना, शिमला एग्रीमेंट 1971 में वार हुआ था और 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अगर ईयर भी पूछ लिया जाए तो याद रखना 1972, भूलना नहीं है इसको, काफ़ी न्यूज़ में था 370 हटने के बाद, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर है, समझ में आ रही कोई दिक्कत?
बहुत सारे प्रोविजन हुए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि हम दोनों अपनी प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सिमला देखते हैं, तो थोड़ा सा आर्टिकल 370 भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ आर्टिकल 370 के साथ? क्या हुआ है 370? और एक और आर्टिकल कौन सा है? 35A। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है 370 और 35A में? क्या? अच्छा 370 क्या है बताइए, कुछ आइडिया आपको? विशेष राज का दर्जा है किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। अभी मैं जैसे नोट्स बनाऊंगा आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखते चलना, ठीक है। ओके, तो देखो क्या हुआ, पहली बार आजादी कब मिली हमें? 1947 में। आजादी के तुरंत बाद, ठीक है, आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान अटैक्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये पता है आप लोगों को। पाकिस्तान ने ट्राइबल्स को भेज दिया था, आर्मी को भी भेज दिया ट्राइबल के रूप में, और जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर के राजा उस समय कौन थे? महाराज हरि सिंह। महाराज हरि सिंह, ठीक है। अब जब हमारा विभाजन हुआ था तो महाराज हरि सिंह बोले थे कि जम्मू एंड कश्मीर भारत और पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया तो क्या हो गया, उनके पास उतनी काबिलियत थी नहीं को जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वो क्या किए, वो भारत के पास आए, नेहरू जी के पास आए। उसमें प्रधानमंत्री देश के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो आप, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट करूँ, आप भारत के हिस्सा तो है नहीं, मैं भाई कैसे प्रोटेक्ट करूँ, मैं अपने एरिया को प्रोटेक्ट करूँगा ना, आपको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ मुझे क्या करना होगा, तो कहोगे अगर आप भारत के हिस्सा रहोगे तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर आप भारत के हिस्सा बन जाते हो तो मैं ऑब्वियसली मैं आपकी मदद करूँगा। तो उस समय एक डील साइन हुई थी जिसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये डील साइन हुई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, परिग्रहण कहते हैं इसको, परिग्रहण की संधि, ये साइन हुई। और इस साइन में महाराजा हरि सिंह ने कहा कि अभी से जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, ठीक है। और जैसे ही इसने इन्होंने ये डिक्लेयर किया, क्या हुआ फिर, इंडियन आर्मी कहां पहुंच गई? जम्मू एंड कश्मीर पहुंच गई इंडियन आर्मी, और उसके बाद उनको हटाना शुरू किया। उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने बात की किससे? जिन्ना से, ठीक है। जिन्ना से उन्होंने कहा कि सर अब तो जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट है, ठीक है, आप ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आप अपने आर्मी को बुलाओ और छोड़ो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जिन्ना ने कहा कि देखो आपने जो डील साइन किया है वो जबरदस्ती का डील है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब क्या होगा, प्रॉब्लम वहीं रह गया ना, अगर उन्होंने डील एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम तो बना रहा ना। तो आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी बोलचाल के भाषा में ऐसा कहते हैं लोग कि आज कश्मीर कश्मीर इसलिए है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया है, कभी सुना होगा आप लोगों ने। देखो वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, ऑब्वियस सी बात है आर्मी लड़ेगी तो मरेंगे ही लोग, नॉर्मल सिटीजन भी मरते हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता खून खराबा हो, शांति से बात चले जाए। अब जबकि जिन्ना ने उनकी बात नहीं मानी तो वो क्या किए जवाहरलाल नेहरू, कहाँ चले गए? वो यूएन चले गए। यहीं पे बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो अपने स्तर पे काम करती है ना। जब यूएन चले गए और यूएन में ये तर्क दिया कि हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है, तो यूएन ने भी उसको अच्छे से मानने से मना कर दिया, ठीक है, यूएन ने भी मना कर दिया। और यूएन ने क्या कहा, यूएन ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ
डिस्प्यूटेड टेरिटरी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और उसी समय से जम्मू और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक वैसी टेरिटरी बन गई जहां पे समस्या बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ कहा यहां पे, यूनाइटेड नेशन ने जम्मू और कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी का दर्जा दे दिया, ठीक है। अच्छा, सरदार पटेल भी उस समय एक थे, पता है सरदार पटेल को हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, आयरन मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सरदार पटेल उस समय क्या कह रहे थे कि नेहरू जी आर्मी भेजो और उनको बाहर भेजो, एकदम पूरी आर्मी इंडिया का लगा दो जम्मू कश्मीर। उन्होंने ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू से, पूरी आर्मी को आप इंडिया भेज दो, वहाँ जम्मू कश्मीर भेज दो और उनको बाहर भेजो। लेकिन सरदार पटेल बोले कि अगर हम करेंगे ऐसा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, ऑब्वियसली बात बहुत लोग मारे जाते थे। जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा आइडियलिस्ट आदमी थे, वो नहीं चाहते थे लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। यूएन ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह दिया, और उसके बाद यूएन ने एक टर्म कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में, ये टर्म लिखो आप लोग, यूएन ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा, टर्म लिखो, ये प्लेबिसाइट क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ने, अंतर्राष्ट्रीय संघ ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट का अर्थ होता है कि जहां डिस्प्यूट है, जहां दिक्कत है, वहां के लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया के पास जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के पास, समझ गए प्लेबिसाइट का मतलब। मतलब यहां पे एक इलेक्शन टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ यूएन ने कहा कि ये प्लेबिसाइट तभी होगा जो भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी दोनों वहाँ से विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि आप सोचो अगर आर्मी कहीं होगी तो वहाँ के इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकती है ना, कुछ गड़बड़ ऐसा कर सकती है कि वोटिंग किसी देश के फेवर में हो जाए, इसलिए ये प्लेबिसाइट की बात हो गई। और आप जानते हो कि आर्मी जम्मू कश्मीर से 47 के बाद कभी हटी ही नहीं है, इनफैक्ट वहाँ पे पावर बढ़ते गए हैं, आफ्सपा आ गया था, आफ्सपा जानते हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आ गया, ठीक है। तो आर्मी कभी हटी नहीं, कभी प्लेबिसाइट हुआ नहीं, कभी प्लेबिसाइट हुआ नहीं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर, क्या बोल रहे हैं? देखो यूएन अभी कॉन्फ्रेंस हुआ यूएन का अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, फिर पहुंच गया पाकिस्तान वहां पे, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, शिमला एग्रीमेंट। यूएन के चीफ जो है उन्होंने क्या कहा कि आप दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ है, सॉल्व करो खुद जाके, ठीक है। लेकिन साथ साथ यूएन ये भी बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर जो सिटीजन है उनकी जो स्थिति खराब है उनका ख्याल रखना इंडिया का काम है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है। और आप सोचो कि 30 दिन से कोई को घर में बंद करके आप रखे, उसको कैसा फील हो रहा होगा। अगर आप यहां से निकल के जीटीबी मेट्रो तक जाते हो और 5 जगह आपको आर्मी रोके तो आप अच्छा फील करोगे, आपको गुस्सा आएगा ना, आपको इरिटेशन होगी। तो आम जो जनता है ना उसको ही परेशानी हो रही है, और आपको जब परेशानी होती है तो आप सरकार के खिलाफ बोलते ही हो। देखो 90 to 95% जो जम्मू कश्मीर के सिटीजन है ना वो क्या है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, भाई उसको एक जॉब चाहिए, 40-50 मिल जाए, शादी उदी हो जाएगी, अपना घर में रहता है, उसको क्या मतलब पत्थर चलाने से। लेकिन ये जो 5% है, 5 से 10%, यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जम्मू कश्मीर में। और जिसमें आप देखोगे कि 2% के आसपास है ना लीडर्स हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं अपना उनका दुकान चलता रहे, इसलिए आप देखोगे जम्मू कश्मीर के जो भी लीडर्स हैं उनके बच्चे बाहर में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं वो पत्थर चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस समय ही जब प्लेबिसाइट की बात हो गई तो एक लीडर वहाँ उभर रहे थे जम्मू कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। ये क्या थे, एक लीडर इमर्ज कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, लिखते चलो इसको आप लोग, आगे नहीं तो भूल जाओगे। शेख अब्दुल्ला इमर्ज हो रहे थे एक लीडर के तौर पे, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। एक तरफ तो यूएन ने कहा था कि इलेक्शन कराओ और जल्दी से डिसाइड करो कि भारत, जम्मू कश्मीर भारत में जाना चाहता है कि पाकिस्तान में।
दूसरी तरफ एक लोकल लीडर इमर्ज हो रहा था जो कश्मीर के लिए बात कर रहा था, ठीक है, कश्मीर के हित में बात कर रहा था। तो इनका पार्टी का नाम लिखिए आप लोग, जो पार्टी थे, ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आगे लिखिए ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और उसके आगे ऐसे हाइफन देके लिखो नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके आगे देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एनसी पार्टी का नाम सुना होगा आपने जम्मू कश्मीर में, हाँ ठीक है बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला के बेटे का क्या नाम था? फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, लिखो आप लोग फारूक अब्दुल्ला, और इनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है। ये एनसी पार्टी है, एक पार्टी दूसरी है पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ओके। जब ये सब प्रॉब्लम चल रहा था तो नेहरू ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड होता भी है, प्लेबिसाइड आपको समझ में आ गई सबको क्या है, नेहरू ने कहा कि कुछ ना ऐसा किया जाए कि अगर जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड होता भी है तो भी जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ आ जाए। इसी कॉन्सेप्ट का रिजल्ट था, जब इतना बात हो गया था ना तो इसी कॉन्सेप्ट का रिजल्ट था आर्टिकल 370। तो नेहरू जी ने आर्टिकल 370 लेके आया था, ठीक है। अब समझ रहे हो आर्टिकल 370 कहां से आया, क्या कारण था आर्टिकल 370 आने का, क्योंकि चाहते थे कि कुछ भी हो जाए जम्मू कश्मीर हमें वोट करे, हमारे पक्ष में आए, इसलिए आर्टिकल 370 लाए। और 370 लाके क्या कहा, स्पेशल प्रिविलेज दी, किसको दिया स्पेशल प्रिविलेज, जम्मू कश्मीर के सिटीजन को, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 370 है वो तीन पार्ट में डिस्कस होता है, ठीक है, लिखिए आर्टिकल 370 को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, आर्टिकल 370 कैन बी डिस्कस इन थ्री पार्ट्स। ओके, लिखिए पावर ऑफ पार्लियामेंट, पहला संसद का अधिकार, लॉ एप्लीकेबल, और थर्ड लिखेंगे कैन आर्टिकल 370 बी डिलीटेड, ठीक है। तीनों लिखिए ऐसे ही हाइफन बना के, क्या बोल रहे हैं हिंदी, यहाँ लिखिए ये लिख लिया आपने संसद का अधिकार, फिर लिखिए कौन से कानून वहाँ पे लागू होंगे, ये लिखिए कौन से कानून वहाँ लागू होंगे, और तीसरा लाइन में लिखिए क्या 370 आर्टिकल को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आपको पता होगा 1952 में, इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, लिखिए 1952, यहाँ लिखिए दिल्ली एग्रीमेंट, ये भी सवाल आ सकता है कि दिल्ली एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, ठीक है, लिखिए 1952 दिल्ली एग्रीमेंट। 1952 में शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुलाया, जो इमर्जिंग लीडर थे उनको बुलाया और उनसे डिस्कस किया कि बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर हमारे बन के रहे। तो उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न कीजिए आप हमारे लिए, ठीक है। तो फिर उस एग्रीमेंट के बाद ही निकल के आया था 370, ठीक है, 370, और 370 को तीन स्तर पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 300 ये आपको याद रखना है, 1952, ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट, ठीक है, जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में हुआ था उस समय साइन, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे हाइफन दीजिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दिल्ली एग्रीमेंट बेसिकली क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने जो लीडर थे जम्मू कश्मीर को उसको दिल्ली बुलाया और उनसे बात की और कहा कि मैं क्या करूं,
हम क्या करें ऐसा कि आपको और आपके नागरिक को और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको लगे कि भारत उनका अभिन्न अंग है, भारत के ही पार्ट है वो लोग। तो उन्होंने कहा कि आप अपने संविधान में भी ऐसा कुछ प्रोविज़न बनाओ जिससे हमें लगे कि हम सुरक्षित हैं, समझ रहे हो, मेरे अधिकार को नहीं छीना जाएगा, मेरे ज़मीन को नहीं छीना जाएगा। तो आर्टिकल 370 लाया गया और उन्होंने कहा कि आप जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान बनाओ। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी गठित हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, 1951 में गठित हुई थी और 1957 में ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। इसका गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान आप लोगों ने सुना होगा, वो बन गया था, ठीक है। इसके बाद दो डेवलपमेंट हुए, एक संविधान बन गया और दूसरा आर्टिकल 370 को ऐड कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पे ऐड किया गया, भारत के संविधान में। ऐड करने के बाद कहा गया कि जो पार्लियामेंट का पावर है जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में वो केवल 3 पावर होगा। क्या क्या पावर है लिखिए, ऐसे हाइफन करके लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। लिखिए डिफेंस, सैन्य, कम्युनिकेशन, संचार और एक्सटर्नल अफेयर्स। तीन चीजें हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। जो भी विदेश के मामले हैं, जो भी सैन्य के मामले हैं और जो भी संचार के मामले हैं, उसको छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर के किसी सब्जेक्ट पे भारत का पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा। और आपने सुना होगा जब भी भारत में या न्यूज़पेपर में जब भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी आता है इंडिया के मामले में, तो ये केवल 3 लेवल पे बात करते हैं। या तो मोबाइल बंद कर देते हैं, देखा होगा आपने जम्मू कश्मीर पहले मोबाइल बंद होता रहा है, या तो डिफेंस का काम करते हैं, आर्मी भेज देते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को या दूसरे देश को बोलते हैं कि भाई इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आपने देखा इसके अलावा कुछ करते हुए, इसके अलावा कुछ करने का पावर ही नहीं था, ठीक है। ये 370 में ये हो गया, तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दी गई, इससे वहां के लोग खुश हो गए, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोगों ने। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए नेक्स्ट लॉ जो एप्लीकेबल में लिखा था, कौन कौन से कानून अप्लाई होंगे। लॉ एप्लीकेबल, उसमें 2 आर्टिकल पूर्ण रूप से अप्लाई होता है, आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 1 और 370। इसके अलावा भारत का कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, ठीक है। अभी चेंज हो गई ये सारी चीज, नहीं होता था। आर्टिकल 1 क्या कहता है, क्या कहता है बोलिए, तेज बोलिए, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 और 370 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो कानून बना 370 वो डिफाइन नहीं था, तो उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो अपने ऑर्डर से डिफाइन कर सकते हैं कि और कौन कौन से कानून लागू होंगे, ठीक है। तो पहला ऑर्डर जो प्रेसिडेंट का आया था वो आया था 1954 में, और इस ऑर्डर के तहत ही जो हमने अभी डिस्कस किया, ध्यान सुना इस बात को, और इस ऑर्डर के तहत ही प्रेसिडेंट ने कहा कि आर्टिकल 35A को जोड़ा जाए। और इस आर्टिकल 35A में क्या कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वहाँ का राइट है, स्कूल है, उसमें कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ का जो स्कीम है, उसके अलावा वहाँ के जो बहुत सारे जैसे ज़मीन है, दुकान है, वो कौन लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर में लिखा था वो लिखा था परमानेंट सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लिखिए इसको परमानेंट सिटीजन, और परमानेंट सिटीजन कौन थे, जो जम्मू कश्मीर में 1954 के पहले लोग 10 साल से रह रहे थे। लॉ एप्लीकेबल समझ गए आप लोग, एक आर्टिकल ये हमने बताया, दूसरा बताया कि अगर पेशेंट ऑर्डर से कुछ करते हैं तो वो भी हो सकता है। तो आर्टिकल ये 1954 में 35A जोड़ दिया गया, और 35A जोड़ने के बाद किसको डिफाइन किया गया, परमानेंट सिटीजन को।
लिखे 1954 में प्रेसिडेंट के अध्यादेश से आर्टिकल 35 ए को जोड़ा गया और जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं उनकी व्याख्या की गई, उनको बताया गया कि कौन वैसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत ही आर्टिकल 371 क्लॉज वन समझते हो आप लोग, क्लॉज वन ये प्रेसिडेंट को पावर देता है। इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डर निकाल सकता है, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 371 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर था, राष्ट्रपति को ये अधिकार था कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कोई भी ऑर्डर या अध्यादेश निकाल सकते थे, ठीक है। उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 1954 में ऑर्डर निकाला और 35A को जोड़ दिया गया। अब देखो मैं आपको बताऊं, यहां पे जो मैंने लिखा है इससे तीन क्वेश्चन आए थे पिछले साल SSC में, ठीक है। तीन क्वेश्चन इसी से आ गए थे। पहला क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किस साल ऑर्डर निकाला था, आंसर था 1954। दूसरा क्वेश्चन था कि आर्टिकल 35A को संविधान में कब जोड़ा गया, आंसर था 1954। एक और क्वेश्चन था किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ने ऑर्डर को जोड़ा था। तीन क्वेश्चन लगातार पूछा उन्होंने 370। इनफैक्ट एक क्वेश्चन और पूछा था कि किस NGO ने, गैर सरकारी संस्थान ने आर्टिकल 35A को अभी हाल ही में चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या था नाम उसका, वी द सिटीजन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए। देखें चार क्वेश्चन आ गए इससे, चार क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको चंद्रयान बताया उसे दो तीन क्वेश्चन आ जाए आपके, ठीक है, वो सब पूछ ले। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आर्टिकल 370 के अंतर्गत, पावर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया, कौन कौन से कानून लागू हो सकते हैं, और एक पार्ट मैंने और लिखाया था, क्या लिखाया था आपको बताइए, क्या लिखाया था थर्ड पार्ट, वी द सिटीजन NGO है, गैर सरकारी संस्थान, उसने आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उसने कहा था कि भारत अखंड है और जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा है तो वहां पे अलग झंडा और अलग संविधान क्यों, ठीक है। लेकिन ये पेंडिंग मामला था क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सियल मामला है, जिस तरह से आप देखोगे जो मंदिर का मामला है, देने के लिए डिसीजन तो कल देते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा मामला है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी धीरे धीरे इसको करती है, तो ये पेंडिंग था मामला। थर्टी फाइव ए को इसलिए चैलेंज किया, 370 को इसलिए चैलेंज नहीं किया था। देखो 370 से अंदर कर निकल के ही, अभी समझ गए ना 35A कहाँ से आया था, 370 के अंदर से निकल के आया था वो, ठीक है। और 35A में डिफाइन किया गया था कि किसको क्या सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेसिडेंट थे, जो अस्थाई निवास थे, उनके बारे में बात की गई थी, ठीक है। उनको सारा चीज़ दिया गया था कि जो भी स्कॉलरशिप होगा, वहाँ की ज़मीन होगी, वहाँ की नौकरी होगी, सब जम्मू कश्मीर के सिटीजन को ही मिलेगी जो वहाँ 1954 से रहते थे, ठीक है। अब मैंने दो चीज़ डिस्कस की है, एक पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का अधिकार, दूसरा कौन सा कानून लगेगा, और एक और चीज़ मैंने आपको बताया, देखिए क्या बताया मैंने आपको अभी, मैंने बताया था कि कैन 370 बी डिलीटेड और एब्रोगेटेड, ठीक है, एब्रोगेटेड, ठीक है। आर्टिकल 370 में ही लिखा है, क्या लिखा है, इट इज ए टेम्पररी प्रोविजन, टेम्पररी प्रोविजन समझते हो। आर्टिकल 370 में ही लिखा है इट इज ए टेम्पररी प्रोविजन, और अगर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेचर नहीं, असेंबली, जो मैंने अभी यहां लिखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर में फर्क समझते हो आप लोग, क्या होता है फर्क, नहीं यार, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मैंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप इसकी बात कर रहे हो ना, आप कर रहे हो इसकी बात, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और आप कर रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, काउंसिल असेंबली की बात कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या, बिल्कुल, क्यों गठन होता है इसका, संविधान बनाने के लिए गठन हुआ था भारत में, उसके मेंबर्स से क्वेश्चन आते हैं, कौन थे उसके हेड,
इसलिए वैसा ही हुआ था कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का क्या बना था, संविधान बना था। बिल्कुल। अब आर्टिकल 370 में लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को तो 370 हट सकता है, लेकिन क्या हुआ 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो गई, ख़त्म हो गया, तो जो चीज़ यहाँ लिखा था वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक नोटिस जारी की, एक छोटा सा कानून बनाया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था वो कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की कहती है कि 370 हटाया जा सकता है तो उसको हटाया जा सकता है। अभी जम्मू कश्मीर में क्या था, 370 हटाने के पहले इमरजेंसी लगा हुआ था, जब इमरजेंसी लगता है तो असेंबली का काम कौन करता है, कौन करता है, गवर्नर। गवर्नर किसको रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसके कहने पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, रिकमेंड कि 370 को हटा दो। देख लो कहाँ से चीज़ें कहाँ चली गई, कहाँ बात स्टार्ट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ये भंग हो गया 1957 में, बात चली गई असेंबली पे। देख लो असेंबली से लग गया यहाँ पे क्या, गवर्नर रूल, गवर्नर रूल चला गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने प्रेसिडेंट का सुनता है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सुनता है। आर्टिकल 74 में ये लिखा है, याद रखना हमेशा 74 आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो प्रोविज़न है अमित शाह जी ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। अब आपको ये डेट याद रखना है कि किस तारीख को ये एब्रोगेट हुआ है, कितनी तारीख हुआ है बताइए, लिखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, ऐतिहासिक चीज़ है, ठीक है। डेट पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, लिखिए लिखिए, जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। क्या बोल रहे हैं, 370 लागू, यार 1952 के आसपास हुआ था, 2 में ही हुआ था सर, क्या बोल रहे हैं, हाँ, उसके तो बिल पास हुआ है ना, तो ये लागू कब हुआ, ये क्या लागू हुआ, क्या लागू हुआ, उसके लिए देखो क्या होता है। अब ये तो प्रोविजन लिखा है कि भाई प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करेंगे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में रूल भी तो बनता है ना, तो पार्लियामेंट बिल गया, बिल पास हुआ, अभी अक्टूबर से शायद ये लागू हुआ है ना, ये लागू हुआ है। और हमेशा याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली है, लद्दाख में नहीं है, लद्दाख को यूटी बनाया गया है, उसको भी यूटी बनाया गया है, जैसे कि दिल्ली में असेंबली, हमारे बहुत सारे यूटी में असेंबली नहीं होते, हाँ बिल्कुल, तो लद्दाख में असेंबली नहीं है, ठीक है, ये अभी याद रखना आपको। अभी तो गवर्नर भी अपॉइंट नहीं हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे अभी उसको वहाँ पर लिए, ठीक है, अभी तो वहाँ बंद है पूरा मामला। अच्छा, क्या दिक्कत थी, दो स्टेट में एक और प्रोविज़न था, जम्मू कश्मीर और बाकी जो हमारे राज्य हैं उसमें डिफरेंस क्या 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 थे, देखिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे, डिफरेंस बताइए आप लोग, चलिए आप ही लोग बताइए, बताइए तीन डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या था दूसरे राज्य जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लिखिए इसको, फिर आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या दिक्कत है। अदर स्टेट में क्या है, सिंगल है, ठीक है, आप कहीं के हो, कहीं के सिटीजन, कहीं जाके बस सकते हो, लेकिन आप यहाँ जाके नहीं बस सकते हो, ठीक। और क्या डिफरेंस थी, फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग था, अपना संविधान था, तो अखंड भारत का जो सपना है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा था, ठीक है। तीसरा था आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, तो आप लोग जानते हो हमारे देश में एक वित्तीय आपातकालीन भी लगता है, सुना है नाम,
ना, कितनी बार लगा है भारत में? बिल्कुल सही बात है, एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। हाँ लगने वाला था, हाँ तुम्हें कैसे पता चला लगने वाला था? देखो स्थिति खराब थी क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था था खुला नहीं था। जब हमारा अर्थव्यवस्था खुला नहीं, जैसे मान लो तुम हो और तुम पड़ोसी से बातचीत नहीं करते हो, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं है, तो बगल में कहें ले लिए एक कटोरा आटा, रोटी बनाए खाया आदमी। अब मान लो तुमने दरवाज़ा अपना बंद किया हुआ है तो क्या होगा, भूखे मरोगे, है ना। तो हमारी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो खोली गई, उसके बाद हमारे बाहर से संचार स्थापित हुए, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिला हमें, वैश्वीकरण का, हम बाहर से बिजनेस करने लगे तो हमारी इकोनॉमी और ग्रो करने लगी, है ना। लिख लिया इमरजेंसी प्रोविजन। अच्छा इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है कि जो वित्तीय इमरजेंसी, जो वित्तीय आपातकाल है वो जम्मू कश्मीर में लगने का प्रोविजन नहीं था, वहाँ लगता ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और क्या थी, राइट टू वोट, राइट टू वोट। अगर मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो और दिल्ली में आके अगर आप 6-7 साल रह जाओगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, लेकिन आप यहाँ 50 साल भी रह जाओगे वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, ये भी प्रोविजन थी, ठीक है। क्या बोल रहे, नहीं नहीं ये मैंने लिखा ना सिटीजनशिप, इससे सारा चीज़ निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। जब ड्यूअल सिटीजनशिप की बात हुई तो यहाँ के जो सिटीजन है परमानेंट उन्हीं को ऑक्यूपेशन होगा, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी, सब उन्हीं को होगा, तो यहाँ पे इस चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। ये मैंने ब्रॉड आपको लिखाया, यहाँ से आप समझना कि क्या होगा, ठीक है। क्या हाँ तो वो भी सही ड्राइव होता है ना, वहाँ की सिटीजनशिप है, आपने अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी की तो आपकी जो प्रॉपर्टी की राइट है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो बिहार में होता है वही जम्मू कश्मीर में होगा, जो उड़ीसा में होता है वही होगा, जो तमिलनाडु में होता है वही कानून लागू होगा, मतलब एकदम कॉमन कानून, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, क्लियर है बात, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं, अब सब कुछ लागू होगा वहाँ पे, क्या बोल रहे हैं। जो इंडिया में लागू होता है अब वही लागू होगा। अब बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपको, अगर आप मान लो कि मान लेते हैं आप बिहार से हो, आपके ऊपर जो भी कानून लागू हो रहा है अब सेम कानून वहाँ लागू होगा। केवल एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, गवर्नमेंट ने बोला है कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसको गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है। जैसे आप कहोगे मैं जम्मू कश्मीर में, अभी देखा होगा आप लोगों ने, लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर में शादी करूँगा, है ना, मतलब फिर की लोग हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का, ऐसे ही लोग तो हैं देश को मतलब गंदगी फैला रहे हैं। अरे क्या मतलब है भाई, आपको देखो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थोड़ी सी एलिनेटेड फील करते हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम उनको बोलेंगे ना कि मेरे आप अपने लोग हो, आप चिंता मत करो। ऐसा 370 हुआ, पता नहीं मैंने देखा एक पटना का वीडियो में देखा, वहाँ पे मारने लगे उनको, उस समय जम्मू कश्मीर का कुछ फेयर लगा हुआ था पटना में, उनको मारने लगे लोग यार, बस समझ रहे हो, लोकल जो नेता है ना, नेता नहीं गुंडे हैं ये, लोकल जो है गुंडे हैं ये। तो मैं तो कहता हूँ जल्दी से जॉब करो, 8-10 साल बाद पार्लियामेंट पहुँचो, मैं भी उधर ही मिलूंगा आपको, अच्छे से काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो जल्दी से जॉब करो, नहीं तो फिर पता चला कि 10 साल बाद जॉब ही कर रहे हो, एनर्जी नहीं बचेगी कुछ काम करने के लिए, ठीक है। कुछ लाइन में लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखिए, लिखिए आर्टिकल 35 ए भारत के संविधान के कुल आर्टिकल 35 ए इज नॉट पार्ट ऑफ टोटल 448 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 35 ए भारत के संविधान के कुल 448 आर्टिकल्स का भाग नहीं है, ठीक है। आप संविधान की किताब खोलोगे आप 35 ए ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जोड़ा गया था, पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया था ना प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जोड़ा गया, ये याद है ना, ध्यान है ना। तो जब कानून बना तो इस आर्टिकल को जोड़ा गया और इसको अपेंडिक्स में जोड़ा गया। अपेंडिक्स समझते हैं आप, समझते हैं ना,
क्या समझते हैं बिल्डिंग्स बताइए, बोलिए खुल के बोलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, बोलिए। बिल्कुल, आपने किताब देखा है पीछे में लिखा रहता है अपेंडिक्स, वैसे ही इसको जोड़ दिया गया था, तो इसके लिए कुछ आर्टिकल संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लाइन लिखिए, आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 370 के खत्म करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और वहीं पे लद्दाख दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है? अब आपसे अगर कोई बाहर निकलते पूछे कि 370-35 से क्या, बता सकते हो उसको आप, दिक्कत नहीं होगी ना, भूलोगे नहीं, जो भी फैक्ट्स उसको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, थोड़ा सा दूर होके लिखिए, कोसी मेची, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, देख के लिखिए, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। कोसी कहाँ की रिवर है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो हम करेंगे अगले क्लास में, फिर जब वो न्यूज़ में हम करेंगे। तो बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा बताता रहूँ, बेसिकली आसाम जो है बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे बांग्लादेशी आसाम में आ गए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इस क्लास में आप मान लो कुछ बच्चे हो और आप लोग भारतीय कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट हो, यहाँ पर मैंने फ्री कर दिया करंट अफेयर्स की क्लास, और बाहर से यहाँ पर 200 बच्चे आ गए, ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपकी जो इंटरेक्शन है मेरे से टीचर से, उसमें कमी आएगी, आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ठीक है, आपकी नॉलेज में कमी आएगी। इसी से लेके जब वहाँ के जो नागरिक हैं आसाम के, वो परेशान हो गए हैं, तो वहाँ के जो सरकार ने ये रूल एक वो डिसाइड किया कि हमें ये पता करना होगा कि हमारा रियल में नागरिक कौन है यहाँ का, आसाम का, ठीक है। और इसी को लेके उन्होंने एक नया काम शुरू किया, NRC, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, और इसके थ्रू वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रियल सिटीजन कौन है। अब ये बहुत कंट्रोवर्सियल हो गया है, क्योंकि मान लो कि 200 बच्चे यहाँ बैठ गए और मैंने बुलाया यहाँ के स्टाफ को, कहा कि बाहर करो इनको, यहाँ के मेरे अपने बच्चों को दिक्कत हो रही है, उसमें आपको भी वो खींच लिया बाहर, तो आपको दुखी हो जाएंगे आप। अब वहाँ के कुछ लोग को बताया जा रहा है कि सिटीजनशिप नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कहीं ऐसा भी दिखा गया कि बेटा को तो कह दिया सिटीजनशिप सिटीजन है, बाप को कह रहा है कि नहीं है, अब ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये सब प्रॉब्लम है, इसलिए ये इशू चल रहा है, डिस्कस करेंगे अच्छे से हम लोग इसको, ठीक है, किसी क्लास में इसको देखते हैं। अब बताइए कोसी रिवर कहाँ पर है, मेची रिवर कहाँ है, मेची रिवर कहाँ है, हाँ ये भी रिवर है, बिहार का ही रिवर है, छोटी सी रिवर है, बेसिकली एक सहायक नदी है, ठीक है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम जानते हैं लोग। कोसी आप लोग जानते हो, क्या कहा जाता है इसको, सौरो बिहार, ठीक है, सौरो बिहार, बिहार का नक्शा बनाते हैं, कोशिश करते हैं, पता नहीं कैसा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शायद ऐसा ही है कुछ, है ना, ऐसा ही कुछ है, इमोशनल नहीं होना है। अब क्या हुआ है, कोसी नदी 2008 अगर आप लोग को याद हो, मुझे नहीं उम्मीद है कि आपको याद होगा क्योंकि आप छोटे होंगे, 2008 में भीषण बाढ़ आई थी बिहार में, हजारों लोग मरे थे, इतनी फसल नष्ट हुई थी, जमीन खराब हो गया था, और जब भी बाढ़ आता है तो क्या होता है, ऊपर लेयर जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, और एक बार मिट्टी खराब हुई तो उपज खराब हो जाता है, और आप जानते हो हमारे किसान किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो उनको कितनी परेशानी होती है। ये बहुत पुरानी परेशानी है, इस परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि दो रिवर को जोड़ा जाए, ठीक है। अब देखते हैं, ये मान लो कोसी रिवर है,
और ये मेची रिवर है। दोनों रिवर कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। ऊपर क्या है? बिहार के ऊपर क्या है? नेपाल है। ये देखो यहाँ पे नेपाल है इधर, ठीक है। ऐसे फिगर बनाइए आप लोग, चीज़ें याद रहेंगी। ये बनाइए, मैं हट जाता हूँ, बनाइए। अच्छा, एक बहुत बड़ा रिवर प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, आपने सुना होगा, केन बेतवा। सुना नाम केन बेतवा का? केन बेतवा कहाँ पे है ये दोनों रिवर? ये दोनों रिवर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है। अब जब भी हम दो रिवर को जोड़ते हैं तो उसका हमारा एक ही पर्पस होता है कि एक नदी से दूसरे नदी में पानी भेजना है। कैसे भेजते हैं? कैनाल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केन में पानी बहुत ज़्यादा आता है, बेतवा में पानी नहीं होता है, तो यहाँ से पानी हम यहाँ भेज रहे हैं। उसी तरह कोसी में पानी बहुत ज़्यादा है और मेची में नहीं है, तो इसको हम लोग मेची में भेज रहे हैं। अब इससे दो फायदा होगा, एक जो कोसी नदी आती है, ये मेची रिवर है, तो इसका पानी क्या बोल रहे हैं, दोनों बिहार में है, बिहार में सीमांचल रीजन के आसपास है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैप देखो ना, बिहार का कहाँ दिख रहा है आपको मेची रिवर? मैंने आपको बोला ना ये कोसी, ये मेची, ठीक है। मैं मैप जो बता रहा हूँ यहाँ पर बनाओ भी आप वहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो क्या है, ये जो पानी आएगी इधर से, ठीक है, यहाँ से इसको कैनाल के थ्रू ये जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये पानी आगे नहीं जाएगा और ये पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये जो एरिया है बिहार का, ठीक है, लिखिए यहाँ पे सीमांचल कहते हैं इसको, सीमांचल रीजन कहते हैं इस एरिया को। सीमांचल कहते हैं, सीमांचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सीमांचल में डिस्ट्रिक्ट लिखिए पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ठीक है, ये चार पांच डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और ये एरिया जो है बिहार का, वो वाटर डेफिसिट है, मतलब पानी की यहाँ बहुत कमी है, इसके कारण यहाँ के किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारा ये दो धारी तलवार की तरह काम करेगा? एक तो जहाँ पानी ज़्यादा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं बाढ़ से, वो बच जाएंगे लोग, और दूसरा जो हमारा ये एरिया है यहाँ पे पानी चला जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बहुत लार्ज लेवल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी इसको राष्ट्रीय लेवल का प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया गया है, इसको राष्ट्रीय लेवल का परियोजना घोषित नहीं किया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है कि दो रिवर किस को जोड़ा जा रहा है, किस एरिया में पानी जाएगा, ये आपको जानना है सीमांचल रीजन में, ठीक है। सीमांचल रीजन में कॉर्न बहुत ज़्यादा होता है, कॉर्न मतलब मक्का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस एरिया में मक्के की खेती और बढ़ जाएगी। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना बढ़िया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इट कैन लीड टू सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि बहुत उपजाऊ मिट्टी है लेकिन पानी के कारण यहाँ पे चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। अब इस परियोजना का जो खर्च है वो अभी लिखिए, अभी जो खर्च बताया गया है 4900 49,000 करोड़ रुपया अभी सेंटर से अप्रूव्ड हुआ है, 49,000 करोड़। ठीक है, 4900 अप्रूव्ड, अभी बहुत खर्च होगा लेकिन अभी जो अप्रूव्ड हुआ है वो यही पैसा अप्रूव्ड हुआ है। तो दो प्रोजेक्ट, ये दूसरा सबसे बड़ा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है केन बेतवा के बाद, ठीक है, केन बेतवा सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। चलो एक कंडीशन बात करते हैं, रात के 1 बज रहे हैं, आप मुखर्जी नगर रहते हो, आप अपने BMW से निकले, है ना, जब गाड़ी नहीं है तो बढ़िया गाड़ी लेते हैं फिर, है ना, BMW से निकले और GTB रोड यहाँ से जाती है सीधे, ऐसे जाती है ना, यहाँ मेट्रो है, ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप गए, आपकी BMW लगी है, आप बैठे हो इसमें और सामने रेड लाइट जल रही है और आपने देखा कि न इधर गाड़ी है न इधर गाड़ी है, फिर भी आपको ये 4 मिनट तक रोके रह गया, ठीक है, आपको अच्छी फीलिंग आएगी,
भाई रेड लोग हैं नहीं, हमें रोके रह गए 4 मिनट तक, आपको रुकना भी है, ठीक है? ये कंडीशन समझ लीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको लग रहा हो क्यों बता दिया सर ये, अभी मैं बताता हूँ क्यों बता दिए। एक मिनट रुक जाओ, ये लिखो इंटेलाइट्स, लिखिए INTELIGHTS इंटेलाइट्स, INTELIGHTS इंटेलाइट्स। क्या बोल रहे हैं आप बोलिए। अब केन बेतवा भी एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश का है, वहाँ भी यही समस्या है, केन में पानी बहुत ज़्यादा है, बेतवा में नहीं है, तो केन का पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? आपके पास भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो तो दूसरे को दे दिया करो, ठीक है? लेकिन आप दोगे नहीं क्योंकि रिवर तो जोड़ा जा सकता है, इंसान को नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है? लिख लिए, चलिए लिखिए, पहला लाइन लिखिए, ये भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल है। ये भारत का पहला 3D स्मार्ट सिग्नल है जो कि एस्टेब्लिश हुआ है मोहाली में, लिखिए मोहाली में, कहाँ है मोहाली? पंजाब में, ठीक है? अब देखो क्या होगा यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या कहानी बताई, आपकी BMW कहाँ रुकी हुई है? आपके BMW कहाँ रुकी हुई है? मोहाली में नहीं रुकी है, रेड लाइट पे रुकी है, मोहाली में रुकी है। चलो मोहाली चलते हैं, ठीक है? मोहाली में रुकी है मान ले आपकी रेड लाइट। अब वहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ रेड लाइट पे खड़े हो, ठीक है? यहाँ रेड लाइट है, ये इधर से गाड़ी नहीं आ रही, इधर से गाड़ी नहीं आ रही है, आप आके रुके, इधर से गाड़ी नहीं, इधर से गाड़ी नहीं, इधर से गाड़ी नहीं है, आपको 5 सेकंड में ये ग्रीन लाइट दिखा देगा, 5 सेकंड में। स्मार्ट सिग्नल है, 5 सेकंड में आपको ग्रीन लाइट दिखा देगा, आपको निकाल देगा। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे CCTV कैमरा लगे हैं जिसका लाइव फुटेज ये लेता है, लाइव फुटेज देखता रहता है, ठीक है? और आपको इसको लगता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सब तरफ लाइट करेगा, आपको निकाल देगा, समझ रहे हो? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि देश का पहला फर्स्ट स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा है, कैसे काम करता है, समझ गए? कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, उससे फुटेज लेता है लाइव और उसके अनुसार ये फंक्शन करता है। मोहाली पंजाब में है, मोहाली शायद मोहाली ही पॉपुलर था, एक बार सहवाग ने वहाँ पे कुछ किया था, शायद मोहाली में कोई मैच हुई थी, मोहाली में स्टेडियम है, IPL हुआ था, सहवाग ने काफ़ी वहाँ पे अच्छा खेला था, है ना? तो मोहाली में शायद उसके लिए भी नाम है उसका शायद, कहाँ? बिहार में, बिहार में नहीं है, पंजाब में है। मोहाली सुने हो नाम बिहार का कभी? आप कहाँ से हैं आप? अच्छा आप UP से हैं, इसलिए आपको नहीं पता है। देश इतना बड़ा है कि जानते जानते 60-70 साल हो जाता है कि नहीं? आप लोग खुश नसीब हो, भारतीय कौशल पहुँचे हो, कुछ समझ रहे हो, है ना? ये तो और समझ में नहीं आता। चलिए लिखिए, RBI RBI का नया रेपो दर, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, लिखिए रेपो दर, पहला लिखिए पॉइंट देकर, रेपो दर, रेपो रेट, फिर लिखिए रिवर्स रेपो रेट, ये लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले ये लिखिए
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर लिखिए बैंक रेट, फिर 6 नंबर लिखेंगे स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी मैं समझाता हूँ आपको, ये लिख लीजिए पहले। बैंक रेट इज 5.65, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज 5.65 एंड रिजर्व रेपो रेट इज 5.15 और 5.40। ये सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग रेट को हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी दर, सीमांत स्थायी दर। बाकी सबको ऐसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो वगैरह, ठीक है। अच्छा, रेपो रेट समझते हो आप लोग, आइडिया है रेपो रेट का क्या होता है? अच्छा, बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो वाणिज्य बैंक होते हैं, उनके पास अपना पैसा होता है, ठीक है। तो वो बैंक सारे पैसा लोन न दे दे, इसके लिए जो बैंकों का हेड है RBI, वो उनको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? उनके पैसे का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है, कुछ उनके पास रखने को बोलता है, अलग अलग तरीका है, ठीक है। और जब वाणिज्य बैंकों को जरूरत पड़ती है तो उनको लोन भी देता है, ठीक है। और उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो अपने पास भी लेता है, ठीक है। तो जिस दर पे भारतीय रिजर्व बैंक लोन देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। अगर नहीं आता तो आगे लिखिए, जिस दर पे RBI वाणिज्य बैंकों को लोन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है? जिस दर पे RBI वाणिज्य बैंकों से पैसा लेती है उसको रिवर्स रेप। अब देखो इसमें डिफरेंस है ना, खुद लोन लेती है तो कम पैसा दे रही है वाणिज्य बैंकों को, उनसे 5-40 पे अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन यहाँ पे 5-15 किया हुआ, ठीक है। ये दोनों हो गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.65% रेट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? अगर किसी बैंकों को जरूरत पड़ा तो रातों रात तुरंत पैसा इसके थ्रू ले सकते हैं, लेकिन कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5.65। उसका बैंक रेट है, बैंक रेट जो है ये तो शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, कम समय के लिए लिया जाता है, तुरंत जरूरत पड़ी तो तुरंत ले लिया 2-4 दिनों के लिए। ये जो है बैंक रेट, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक। और इसका रेट है 5.65। ये लॉन्ग टर्म लोन है जो कि RBI वाणिज्य बैंकों को देती है और उसका अभी दर है 5.65। अच्छा, ये कैश रिजर्व रेशियो है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? हर एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने कुल पैसों का 4% कहाँ रखना है? RBI को भेज देना है, RBI को भेज देना है, ठीक है, 4%। और उसके कुल एसेट का 18.75% क्या करना है? अपने पास सिक्योर रखना है। जैसे मान लो कि मेरा ये घर है, मैंने, मेरे पास 100 रुपये है, तो 18.75% मैंने इधर रख दिया, उसको मैं छूंगा नहीं, ठीक, जब तक RBI मुझे अनुमति नहीं देगा, ठीक है। ये पैसा जो 4% है ये केवल कैश में रखा जाता है, मतलब कैश रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ जो वैल्यू होती है वो कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, जो प्रपत्र होते हैं, जो NCC वगैरह सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा जाता है कि आप इतने पैसे का बॉन्ड खरीदे हो, वो भी रखा जा सकता है। आपको याद केवल ये रखना है रेपो रेट, ठीक है। एग्जाम में केवल रेपो रेट वो लोग पूछते हैं। 3 महीना में जो ही नहीं चेंज हो, अगर मान लो, देखो क्या होता है, 5.40 रेपो रेट है, ये छोड़ो, ये रिवर्स रेपो रेट है 5.15, ठीक है। अब 5.15 रिवर्स रेट, ये किस चीज का रेट है? ये क्या है रिवर्स रेपो रेट? वाणिज्य बैंक जब RBI के पास पैसा रखेगी, ठीक है, ये 5.15 है, मतलब मैं मान लो कि मैं वाणिज्य बैंक हूँ और आप RBI हैं, ठीक है,
आपने मुझे कहा कि मैं आपको 5.40% दूंगा, आप अपना पैसा मेरे पास रखोगे? मैंने कहा बिल्कुल रखूंगा, मेरा तो बिजनेस ठप चल रहा है, मुझे कोई लोन नहीं ले रहा है, आप ले लो पैसा मुझे देना 5.40%, ठीक है? मैंने दे दिया वो पैसा। आप RBI हो, आपको लगा कि मार्केट में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट में, ठीक है? मार्केट कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? जब बिक्री होती है तभी तो अर्थव्यवस्था चलती है, जब सामान खरीदा जाएगा बेचा जाएगा। अब आपको लगा कि सामान बेचा खरीदा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप RBI हो, आपने कहा कि भाई ये जो मैं 5.40 दे रहा था ना मैं तुम्हें, अब मैं 4% दूंगा तुम्हें। मैं क्या कहूँगा? भाई मेरा पैसा तुम लौटा दो, 4% आप दे रहे हो, 5% पे तो मैं लोन दे दूंगा लोगों को, ठीक है? 5% तो लोन लेने के लिए तैयार हैं लोग, 5.25 था तो कोई नहीं ले रहा था, ठीक है? तो RBI ने 5.40 किया, तो मैंने RBI को दे दिया, लेकिन आपने अब 5 कर दिया, ठीक है? तो मैंने क्या किया, आपसे पैसा ले लिया और 5.25 पे लोन देने लगा। मार्केट में तो बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए आ गए, बहुत सारे जब लोन लेंगे तो पैसा लेके क्या करेंगे, वो मार्केट में तो खर्च करेंगे, आप पैसा लेके क्या करोगे? गाड़ी खरीदोगे, घर बनाओगे, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल खरीदोगे। तो इस तरह से RBI महंगाई को कंट्रोल करती है, समझ रहे हो? अगर एक पेन है और उसको बहुत सारे पैसा इसके पीछे पड़े हैं तो RBI क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। तो कमर्शियल बैंक के थ्रू पैसा, मैं कहूँगा पेन छोड़ो यार, पैसा इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा उधर डालता हूँ, ऐसे भी इंडियन इंटरेस्ट कमाने में बहुत तेज़ हैं, तो वो पैसा उधर पार कर देंगे, ठीक है? ये रेट है, नया रेट है। अब इसको डिसाइड कौन करता है? लिखिए मौद्रिक समिति, लिखिए मौद्रिक समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें केवल रेपो रेट आप लोग याद रखना, ठीक है? ऊपर वाला वही पूछता है एग्जाम में, और ये जो लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। लिखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक समिति। 2016 के IAS एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों ने गलती कर दिया था, उन्होंने पूछा था कि कौन कौन मेंबर होते हैं, और वो कंफ्यूज कर दिया था कि 3 मेंबर RBI होते हैं कि 3 मेंबर कहाँ से होते हैं, ठीक है? इसमें कंफ्यूज हो गए थे लोग। चार मीटिंग हर एक साल इनको करना ही करना होता, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि मौद्रिक पॉलिसी कमेटी जो है उसकी कितनी मीटिंग अनिवार्य है हर एक साल, तो 4 मीटिंग, ठीक है? कंफर्टेबल है ना, ब्रेक की तो जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं? देखिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है? इस, हाँ, इस कमेटी को कहा कि, मैं बताता हूँ, आप ध्यान, मेरी बात को ध्यान दीजिए, इस कमेटी का रूल है कि हर एक साल कम से कम आपको 4 मीटिंग करनी है, और 4 मीटिंग करके आप भारत में जो मुद्रा स्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, उसको आप डिस्कस करोगे। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो आप रिकमेंड करोगे ये जो रेट्स मैंने आपको दिखाए हैं उसमें बदलाव किए जाएँ, ठीक है? क्लियर? आप बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं RBI से? 3। और 3 कहाँ से होते हैं? हाँ, केंद्रीय सरकार उसको मनोनीत करती है, ठीक है, रिकमेंड करती है। कुल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है? तो अगर UPSC एग्जाम में ऐसा उन्होंने कहा था कुल 7 मेंबर होते हैं, वहाँ लोग कन्फ्यूज हो गए थे, उन्होंने कह दिया था सही, बहुत लोगों ने गलत मार्क कर दिया था, ठीक है? लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, IAF, इंडियन एयरफोर्स। आप लोग एंटरटेनमेंट का चीज़ बता रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लेना।
जिसका एग्ज़ाम है वो मत करना. आई हैव लॉन्च्ड थ्री डी मोबाइल वीडियो गेम. सुना है कुछ ऐसा हुआ है? किसी ने सुना है? सुना है? किसे सुना है? आपने सुना है? कौन सा गेम है बताइए? क्या नाम नहीं याद? ये नाम याद है क्योंकि देखो करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं वो बताता हूँ, जो भी चीज़ न्यूज़ में है उसको आपको पढ़ के जाना. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी नेक्स्ट दो तीन महीने के आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये जो गेम बनाया गया है ना उसमें दिखाया गया कि आप हो अभिनंदन वर्धमान और आप पाकिस्तान में जा रहे हो, उनके लिए बनाया गया है, उनसे इंस्पायर होके. तो बहुत सारे चांसेस है आपके साथ पूछा जाएगा कि हाल ही में जो इंडियन फोर्स ने जो वीडियो गेम बनाया है उसका नाम क्या है. ठीक है, लिखिए नाम, इंडियन एयरफोर्स पक्कट एवब. ठीक है, चार नाम दे देंगे ऐसे आप कंफ्यूज जाओगे. पहला गेम था इंडियन एयरफोर्स का गार्जियन ऑफ द स्काई, ये 2014 में लॉन्च हुआ था. ठीक है, ये अभी लॉन्च हुआ है 2019 में और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यही पूछा जाएगा इंडियन एयरफोर्स गार्जियन ऑफ द स्काई. आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना है, हो सके ये दोनों नाम हो. ठीक है, और पूछा जाए कि हाल ही में रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा वीडियो गेम लॉन्च किया है. तो ठीक है, हाल ही में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है लिख लीजिए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसने डेवलप किया. ठीक है, थ्रे इंटरैक्टिव, हो सके यहां भी कम चांसेस है लेकिन हो सके पूछ ले. IT का नाम दे दे तो कंफ्यूज हो गया आप, IT दिल्ली कुछ ऐसा दे दे तो. ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये दोनों गेम इसी ने बनाया है. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के लिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी. ठीक है, हो गया. ठीक है, ठीक है, नीचे पूछता हूँ मैं आपको. लिखिए, समर्थ समर्थ ज़्यादा कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ोगे आप, रेगुलर क्लास करोगे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा. आप देखोगे बहुत सारे बुक्स या YouTube पे जो वीडियोस आते हैं, आप समझो मेरे तजुर्बा से. ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जानता हूँ. आप लोग ना जब एग्ज़ाम के 10 दिन पहले इतनी बड़ी बुकलेट लाओगे ना उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं होगा, नहीं होता है. हमारा माइंड रोबोट नहीं है कि हम पढ़ के याद कर लें. ठीक है, और आप चीज़ों को हल्का हल्का पढ़ा करो. आप जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो पहले रीडिंग में ना आप चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करो. एटलीस्ट देखो जब तक आप 5 रीडिंग नहीं करोगे आपका नहीं हो सकता है क्लियर, समझ रहे हो? जब तक आप 5 रीडिंग नहीं करोगे. इस साल एक लड़का है 93 रैंक, ही इज एन IAS ऑफिसर एट द एज ऑफ 22. ठीक है, पेट्रोल पंप पे इनके पिताजी पेट्रोल देते थे, गाड़ी में सर्विसमैन थे, बिहार का लड़का है गोपालगंज का. ये लड़का IAS बन गया है 22 साल की उम्र में और इसका आप इंटरव्यू सुनोगे तो ये कहता है कि मैंने एक बुक आती है पॉलिटी की, आपने सुना होगा लक्ष्मीकांत. ठीक है, इसने कहा है कि जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको मैंने 15 बार पढ़ा है. और ये बात केवल ये नहीं कहते हैं, जितने IAS ऑफिसर का आप इंटरव्यू देखोगे वो कहेंगे मैंने चीज़ों को 10-15 बार पढ़ा है. आप सोचो को IAS बन रहा है, कोई आदमी IAS का तैयारी करने का ही सोच रहा है तो सब उस कम से कम इतना तो उसके माइंड में थोड़ा सा इंटेलिजेंट तो है वो, एटलीस्ट मतलब एवरेज से तो ऊपर है वो सोच रहा है.
वो बंदा जब 15-20 बार चीज़ को पढ़ रहा है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप एक बार पढ़ के याद कर लोगे? किसी से नहीं होता है। आप अपने माइंड में डालोगे 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा और बहुत टाइम होता है आदमी के पास। आप देखोगे मोबाइल लेके आप सोओगे रात को 12 बजे, 3 बज जाते हैं सुबह का, आपको पता नहीं चलता है, समझ रहे हो? 3 घंटे में मेरे नोट्स जो मैंने आज तक कराए हैं ना इस क्लास में, उसको आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको वो बर्डन लगता है। ये चीज़ आपको आसान लगती है, एंटरटेनमेंट आपको, ठीक है? तो इसलिए चीज़ों को बार बार पढ़ो आप लोग, उससे चूकना नहीं है। ज़्यादा चीज़ को नहीं पढ़ना है और चीज़ों को लॉन्ग टर्म में पढ़ना है, ठीक है? पहले से प्री प्लान करके पढ़ना है, अभी से पढ़ते रहो, ठीक है? समर्थ लिख लिया आप लोगों ने, क्या है ये लिखिए, युद्ध अभ्यास, मारे जाओगे तुम युद्ध में, जिस युद्ध अभ्यास का नाम लिया उसमें आप मारे जाओगे। लिखिए फ्लिपकार्ट इनिशिएटिव, लिखिए इसकी समर्थ की शुरुआत फ्लिपकार्ट द्वारा की गई है, ओके, की गई है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, समर्थ प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा समर्थ प्लेटफॉर्म है उस पे जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, देखिए जो बुनकर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वीवर्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखो आप लोग, वीवर्स, मेकर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कैन सेल ऑन इंटरनेट। समझ रहे हो क्या है? मतलब फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि जितने भी देश के ऐसे बुनकर हैं जो हैंडीक्राफ्ट है, आप देखोगे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं इंडिया में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में भी हैं, तो ऐसे लोगों को ना मतलब मार्केट नहीं मिल पाता है। चीज़ें तो बहुत अच्छी बनाते हैं वो, उन्हीं की चीज़ों को आप देखोगे बिचौलिया लेके दिल्ली मुंबई में जाके करोड़ का बेच देता है, लेकिन उनको ये फायदा नहीं मिल पाता है। तो फ्लिपकार्ट ने ऐसा इनिशिएटिव करके बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैंडीक्राफ्ट वाले हैं उनको कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है, कॉन्टैक्टेड आर्टिसंस, ठीक है, जो आर्टिस्ट है, और उनको कहा है कि आप डायरेक्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे भेजो फ्लिपकार्ट पे, आपको पैसा ज़्यादा दूंगा मैं, ठीक है? तो ये नाम से कन्फ्यूज है, लेकिन आपको याद रखना समर्थ जो है फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया है किसके लिए? बुनकर्स और हैंडीक्राफ्ट के लिए, जो हस्त शिल्पकला वाले लोग हैं उनको डायरेक्ट इंटरनेट पर अपना चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक है? ऐसा ही अमेजन ने किया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, अमेजन ने अमेजन ने यही काम ट्राइफेड के साथ मिलकर किया था, ठीक है? ट्राइफेड का आप लोग फुल फॉर्म लिखो, ट्राइबल कोऑपरेटिव, इसके बगल में लिखो, ट्राइफेड के बगल में इसको लिख लो पहले, फिर लिखो अगर क्वेश्चन आए कि अमेजन ने किस संगठन के साथ मिलके भारत के ट्राइबल्स के और हैंडीक्राफ्ट के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पे वो लोग अपने सामानों को डायरेक्ट इंटरनेट पे बेच सकते हैं, तो उसका आंसर होगा ट्राइफेड, ठीक है? ट्राइफेड का फुल फॉर्म लिखो, ट्राइबल कोऑपरेटिव, ट्राइबल कोऑपरेटिव, कोओपीई, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या काम है इस संगठन का? इन संगठन का काम है कि जो भी हमारे यहाँ जो ऐसे बुनकर हैं जिनको रिसोर्स नहीं मिल पाता है, संसाधन नहीं मिल पाता है, मार्केट में नहीं आ पाते, उनको सही दाम दिलवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले रखा है? ट्राइफेड ने, ठीक है?
इट ट्राइबल्स को कॉन्टैक्ट करता है और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है कि आप यहाँ बेचो तो यहाँ दाम आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे ट्राइबल्स के जो चीज़ें होते हैं बहुत खूबसूरत बढ़िया चीज़ बनाते हैं वो लोग, बम्बू का तो इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाते हैं बांस का वो, लेकिन वो बहुत सस्ती बिकती है वहाँ पर। आप देखोगे अगर बिहार में जो छठ के लिए टोकरी बनती है वो टोकरी 100-150 मिल जाएगी वहाँ पर। आप देखोगे दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता है वो बिकता है यहाँ पर 700-800 का, 1000 का। ट्राइबल्स को कितना मिलता है? उनको 100 रुपये ही मिलता है, वहाँ से ला के यहाँ बेच देते हैं वो लोग। अगर उसी टोकरी को फ्लिपकार्ट पे बेचा जाए तो उनको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, 400 मिल सकता है। तो ये फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट का इनिशिएटिव का नाम है समर्थ और अमेजन ये काम कर रहा है ट्राइफेड के साथ। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्रीज्ड। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। टॉपिक लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे ये कानून बना था, और जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई जाती है इस एक्ट को संशोधित किया जाता है। ठीक है, इसको अमेंड किया जाता है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, यहाँ से दो चीज़ जाना आपने, एक तो आपने ये जाना, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है तो आर्टिकल 124 है वो। ठीक है, आर्टिकल 124। ठीक है, अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, जजों की संख्या क्यों बढ़ाई गई है। आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 58,000 केसेस पेंडिंग है। केस समझते हो ना, 1,000 को रिप्रेजेंट करता है, 58,000 केसेस पेंडिंग है। अब आप सोचो 58,000 केसेस पेंडिंग है तो यहाँ पे बहुत सारे निर्दोष भी होंगे, कोई निर्दोष व्यक्ति साल दो साल बंद है उसके साथ क्या हो रहा है, ये गलत तो हो रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज अभी CJI है, कौन है अभी CJI? रंजन गोगोई। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि सर प्लीज़ स्ट्रेंथ बनाइए, हम काम नहीं कर पा रहे, हमें और जज की ज़रूरत है। तो भारत गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है ये करेंगे, उन्होंने सीट ये बढ़ा दी। 58,000 तो यहाँ है। आप देखो कि हाई कोर्ट में 10-15 लाख ऐसे पेंडिंग्स केसेस है, लोग जो मतलब जिन्होंने नहीं किया जुर्म वो भी जेल में है। कितनी गलत बात है, आपने कोई जुर्म नहीं किया उसके लिए आपको सज़ा मिल रही हो, कितनी गलत बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, और स्ट्रेंथ बढ़ा के कितनी कर दी गई अभी यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझता हूँ। ये लिख लिया आपने लाइन, अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब कितने जजेस रहे इंडिया में। ठीक है, लिखिए आप मेरे साथ साथ। नाइनटीन सिक्सटी को रहने दीजिए, ऊपर लिख लीजिए ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ओरिजिनली 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले
तो सुप्रीम कोर्ट में आज जजों की संख्या आपसे पूछा जाए कितने आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको जवाब देना है 34, ठीक है। जो मैंने प्लस वन लिखा है उसका मतलब है चीफ जस्टिस, ठीक है, सीजेआई। हो गया, पी लो पी लो। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, स्वच्छ वायु के लिए नवाचार, इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर। लिखता हूं बोर्ड पे मैं, स्वच्छ वायु के लिए नवाचार, क्या बोल रहे हैं आपको? केवल एक चीज़ याद रखना है कि अभी जजों की संख्या 34 है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैक्सिमम आपको पूछ सकते हैं तो पूछेंगे कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, ठीक है, यही तो क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग। दोनों याद रहेगा आपको, ठीक है, आसान है, ज़्यादा दिमाग कोई बर्डन नहीं करना, समझ रहे हो? आपको कितना ज्ञान है उससे एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे कि बहुत बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कम पढ़ते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप पढ़ो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। अरे आदमी, आपको ना गधा नहीं बनना है, आप घोड़ा बनो, चने खाओ सुबह गुड़ के साथ, समझे? और 6-7 घंटे पढ़ाई करो घोड़े जैसा, हाँ गधे जैसा नहीं, घोड़े जैसा, दिमाग लगा के कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ आएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा 6 महीना में। यार अभी भी मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम टफ नहीं है कोई, CDS हो, NDA हो, मैं कहता हूँ कि देखो IAS तो थोड़ा टफ है क्योंकि उसमें ना बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम PCS भी टफ नहीं है। मेरे ऐसे से फ्रेंड है 15 दिन पढ़ते हैं और PCS का प्री क्लियर कर देते हैं, और सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है जो मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ कॉमन है, किसी को एंग्जाइटी नहीं होती है। एंग्जाइटी समझते हो, जो घबरा जाता है आदमी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, लोगे पन्ना पलटने, सारा किताब सामने रख लोगे। अरे जब पिछले 6 महीने में नहीं पढ़ पाया तो पिछले 2 दिन में क्या पढ़ लोगे तुम? नहीं पढ़ पाओगे ना, एंग्जाइटी नहीं करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं तो आपको बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, राम और श्याम, दोनों की नॉलेज है 0। SSC की वैकेंसी आई है, सीट है एक सीट है, नॉलेज दोनों की 0 है, फॉर्म 2 ही लोगों ने भरा है। राम के साथ प्रॉब्लम क्या है? कूल माइंड है, आराम से जूस वूस पी के गया है ना, टेंशन नहीं ले रहा है। श्याम के साथ क्या प्रॉब्लम है? डरा हुआ है, घबराया हुआ है। अब आप मुझे बताओ किसका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो? घबराना नहीं है, कितनी भी मुसीबत आ जाए एग्जाम के सामने एकदम मुस्कुरा के जाना है, एकदम नहीं डरना है। देखना तुम्हारा 10 क्वेश्चन सही होगा, 10 कम से कम, एकदम नहीं डरना है। मेडिटेशन किया करो, अपने आप को समझाया करो कि सब ऐसे ही है, तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो और बड़ा गधा है, समझ रहे हो? आप ये दिमाग में रखो कि बगल में जो बैठा है उसको और कुछ नहीं आता है। ये देखो केवल पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, थोड़ा इस तरह की आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, टैकल करने की एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ों को, ठीक है, तभी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज होता, नहीं हो पाता है कुछ। तो हमने क्या, हाँ लिख लिया, क्लीन एयर लिखिए, क्या है, इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत किस देश के साथ मिलके इस स्कीम को चला रहा है, ठीक है, या इसके संदर्भ में काम कर रहा है। रिसेंटली लॉन्च, हाल ही में इनोवेटिंग फॉर क्लीन एयर कहाँ पे लॉन्च हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस देश के साथ मिलके ये काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल नोट्स बनाना है, ज़्यादा लंबा चीज़ नहीं लिखना है, आप सीधे लिखो यहाँ पे इंडिया प्लस UK, ठीक है, ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसा लिखो, आपको याद रहेगा, जितना कम लिखोगे उतनी याद करने में सहूलियत रहती है। दूसरा लाइन कहाँ पे लॉन्च हुआ है, बेंगलोर में, बेंगलोर में, ठीक है। दो क्वेश्चन आएंगे, दोनों लिखा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझाने के लिए समझ लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली भारत और यूनाइटेड किंगडम ने, दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके थ्रू वो सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट या सारे ऐसे रास्ते जिसके थ्रू
हम जो एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं उसको वो खोजने का प्रयास करेंगे, वो चाहे बायोफ्यूल्स यूज़ करने का हो, चाहे ट्रैफिक में कुछ समस्या को दूर करने का हो, जो भी गाड़ी हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं उनको ठीक करने का हो, जो कोल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कमी करने का, वो सारे काम करेंगे ये लोग। ठीक है, कौन मिलकर कर रहा है? भारत और यूके। और कहाँ पर ये लॉन्च हुआ इनिशिएटिव? बेंगलोर में। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है, एक देश एक राशन कार्ड। क्या होता है राशन कार्ड? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, जो आपने आपने बताया क्या मिलता है, राशन कार्ड होता क्या है, क्या बोल रही है? हाँ आप क्या बोल रही है? देखो समझिएगा वो, हाँ आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फूड आइटम्स को दिया जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। ठीक है, ये एक सरकारी दस्तावेज है जो वैसे लोगों को दिया जाता है, वैसे लोगों को जारी किया जाता है जो राशन खरीदने में समर्थ नहीं है। ठीक है, उनको सब्सिडाइज रेट पर कम दामों पर राशन मुहैया कराया जाता है। ठीक, अब क्या है दिक्कत, कौन मान लो कि आप में से कोई आदमी है, आपको ले लेते हैं, आप कहाँ से हो? बिहार से हो आप, आप दिल्ली आ गए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आप बगल में जाते हो, बगल में आपके पप्पू चाचा हैं, वो आपको राशन देते हैं, आपके चाचा, आप दिल्ली आ गए, आपकी गरीबी खत्म तो नहीं हुई दिल्ली आके? अब दिल्ली में भी राशन मिलता है, लेकिन क्या दिल्ली में आपको राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, गरीबी खत्म नहीं हुई। आपने माइग्रेट क्यों किया दिल्ली? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपने जॉब के लिए दिल्ली आए, आपको राशन अभी भी मिलना चाहिए, लेकिन आपको राशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि भाई गरीब अगर माइग्रेट कर रहा है वो तो हमारी गलती है कि माइग्रेट कर रहा है, वो बाहर जा रहा है कि नहीं? वही भी बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं, गुजरात से लोग मुंबई आते हैं जॉब के तलाश में, उनको राशन मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब इसमें क्या करना है, आपके राशन कार्ड को क्या करेंगे ये लोग, आपके आधार से लिंक कर देंगे, तब क्या होगा, आप दिल्ली में अपना आधार कार्ड दिखाओगे और आपको राशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियली जुलाई 2020 तक टारगेट है पूरे देश में इसको लॉन्च करना है। ठीक है, जुलाई 2020 तक पूरे देश में लॉन्च करना है। ठीक है, जुलाई 2020 तक लॉन्च करना है। अब देखो राशन कार्ड दो तरह की होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मेरे तरह जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसे बनाइए आप। प्रायोरिटी राशन कार्ड होता है, और दूसरा है आपका दो तरह का राशन कार्ड होता है, एक प्रायोरिटी राशन कार्ड, प्रायोरिटी मतलब जिसको प्रायोरिटी देती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन राशन कार्ड लेने लायक है, और ये काम जो है डिसाइड करने का वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और दूसरा अंत्योदय राशन कार्ड, जो अंत्योदय अन्न योजना के नाम से मशहूर है। अब ये जो है आप देखोगे कुछ तो बीपीएल होते हैं,
कुछ ज़बरदस्त बीपीएल होते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। और बहुत दुख की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, झारखंड की एक लड़की थी, वो राशन लेने गई, ठीक है, उसके पास कार्ड नहीं था, ठीक है, उसके पास राशन कार्ड नहीं था और उसको राशन नहीं मिला। लड़की कहीं और की थी, झारखंड में कहीं और रहती थी, उसको राशन कार्ड नहीं मिला और वो लड़की भूखे मर गई। आइसोलेटेड प्लेस पर रहती, कोई उसको मदद भी नहीं कर पाया। आप देखोगे कि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, आप झारखंड या बहुत ऐसे जगह जाओगे दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं है। वो लड़की भूखे मर गई, तो उसका भी असर बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ा है। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। तो वैसे लोग जो एकदम पुअर हैं, गरीब हैं बिल्कुल, उनको इस योजना के अंतर्गत 35 किलो राशन प्रति मंथ, ठीक है, मिलेगा 35 किलो। और जो ये प्रायोरिटी वाले हैं वो है 5 केजी पर पर्सन, ठीक है, 5 केजी पर पर्सन। क्या बोल रहे हैं डेवलपमेंट पे, क्या बोल, नहीं मेंबर, क्योंकि ये मेंबर पे इससे डिपेंड नहीं है ना, क्योंकि जो बहुत गरीब हैं वो बहुत छोटे कभी कभी होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं लोग, एकदम गरीब आदमी हो दिल्ली से लाया तो पति पत्नी एक दो बच्चा होता है, फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब है इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 35 किलो राशन तो देना ही देना है उसको, ठीक है, ये लेकिन मेंबर पे डिपेंड है, ठीक, वो राशन कार्ड जो आपको बनता है ना उन लोगों का उस पर लिखा होता है, इतने मेंबर है ही है। क्या बोल रहे हैं, एपीएल वाले को बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से एपीएल को मिलेगा, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे कि भाई मुझे चाहिए, मुझे गरीबी है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो एसेस करेंगे तो आपको भी मिल सकता है, लेकिन एपीएल जो बहुत उच्च स्तर के होते हैं उनको नहीं मिलता है। अब देखो आप क्या समझ सकते हैं, मान लो कि 500 रुपये जिसके पास कमाता है वो बीपीएल है, ठीक है, 500 तक जो कमाता है और 501 कमाता है वो एपीएल है, तो ये 1 रुपये से क्या हो जाएगा उसको, समझ रहे हो, लेकिन परिभाषा तो परिभाषा है, इसको बना के रखना है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इनको भी डिसाइड करती है कि इनको भी दिया जाएगा, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, उसका पावर है। लिखिए एक लाइन, हाल ही में 4 राज्यों ने, रिसेंटली 4 स्टेट्स हैज लॉन्च ONOR, वन रेशन वन राशन कार्ड स्कीम। हाल ही में 4 राज्यों ने, शॉर्ट में लिखिए ONOR, ठीक है, ब्रैकेट में आप समझ जाएंगे, ONOR ऊपर ने आपने लिखा हुआ टॉपिक, शॉर्ट में लिखो आप, हाल ही में 4 राज्यों ने ONOR स्कीम लॉन्च किया है। रिसेंटली 4 स्टेट्स हैव लॉन्च्ड ONOR स्कीम, ठीक है, इन पेयर्स, ठीक है, इन पेयर्स, PAIRS, इन पेयर्स, ठीक है। उन 4 राज्यों का नाम देखते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि मैंने यहाँ पे पेयर क्यों लिखा है, पेयर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि कोई बिहार का आदमी जब दिल्ली आता है तो दिल्ली में उसको दिक्कत होती है, ठीक है, तो 2 पेयर जो बना है, एक आपने गुजरात महाराष्ट्र कौन बोला है, बिल्कुल सही बात है, गुजरात और महाराष्ट्र का एक पेयर है, वेरी गुड, गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। अब क्या होगा, आपने जाना होगा गुजरात के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इनको अब यहाँ पे राशन मिल जाएगा, ठीक है, इनके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, आधार कार्ड नंबर डालेगा, उनको पता चल जाएगा कि ये जो आदमी है ये बीपीएल है, इसको राशन वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेट कौन सा है, बिहार, और लिखना मत, लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, और तेलंगाना, ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये बाकी राज्यों में भी लागू होना है। अभी जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन्होंने कहा था कि हम लॉन्च करेंगे, ठीक, बिहार ने भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन बिहार ने भी बहुत जल्दी लॉन्च करना है इसको, ठीक है, समझ गए, वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है केवल कि किस राज्यों ने अभी किया है, ठीक है। ओके, लिखिए नेक्स्ट हेडलाइन, 22nd
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस, ठीक है। ठीक है, 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, अब आप लोग मुझसे कोई बता सकता है मुझे कि गवर्नेंस क्या होता है, बताइए क्या होता है गवर्नेंस, क्या होता है गवर्नेंस, तेज बोलिए, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नेंस कहते हैं, बिल्कुल गलत जवाब, एकदम लॉक नहीं होगा तुम्हारा जवाब, वो छोड़िए ऑनलाइन योजना, आप बताइए गवर्नेंस क्या होता है, अब फिर तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट जो काम करती है, जो एक्शन लेती है, ठीक है, उसको किस ढंग से कर रही है, वो जो करने का तरीका है, उसी को बेसिकली गवर्नेंस कहते हैं, संसाधनों का सही से इस्तेमाल करके उसका क्रियान्वयन करना, और उसके लिए और जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए गवर्नेंस का सहारा लिया जाता है, लेकिन इंडिया में क्या हो गया, इंडिया में देखेंगे आज़ादी के बाद ये गवर्नेंस जो है वो बैड गवर्नेंस बन गई, है ना, क्यों बैड गवर्नेंस बन गई, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा लाल फीताशाही, सुना है नाम लाल फीताशाही, हर एक फाइल को लाल धागा से बंद कर देते हैं, अंडर टेबल कुछ दीजिए तब काम होता था, तो गवर्नेंस हो गया बैड गवर्नेंस, जब बैड गवर्नेंस हुआ तो क्या कॉन्सेप्ट आया, एक नया कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस का, सुना है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का पार्ट है ई गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस का पार्ट है ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे होगा, जब चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, पारदर्शिता आएगी, है ना, मान लो कि आप मेरे पास आए, आप मान लो कि मैं SDM हूँ, आपने कहा कि सर मुझे राशन कार्ड चाहिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको दोहरा रहा हूँ हफ्ते दर हफ्ते, ठीक है, आपने मुझे फॉर्म दिया, मैं रख लिया, आपको मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर SDM ऑफिस में लिखा हुआ है कि राशन कार्ड बनवाने में केवल 10 दिन लगते हैं, ठीक है, और आपको एक कंप्यूटराइज स्लिप दी जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, आपका स्लिप होगी, और उस स्लिप को आप जाके ऑनलाइन टाइप करके देख सकते हो कि राशन कार्ड इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये जो मैंने अभी काम बताया आपको कि ऑनलाइन मिलेगी स्लिप, ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, पारदर्शिता आएंगी, तो क्या गुड गवर्नेंस हो गया, इसी को लेके ये कॉन्फ्रेंस हुआ है 22वां नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गवर्नेंस समझ में आ गया क्या होता है, ई गवर्नेंस समझ में आ गया क्या हुआ, अब लिखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ है, लिखिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ है शिलोंग में, शिलोंग कहाँ है, मेघालय, हाँ बिल्कुल मेघालय, लिखिए शिलोंग मेघालय, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, शिलोंग मेघालय में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका थीम लिखिए डिजिटल इंडिया, अब देखो आप देखोगे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते रहते हैं, क्यों बात करते हैं, उसी गवर्नेंस को तो ठीक करने के लिए, वैसे लोगों को तो बाहर करने के लिए जो आम लोगों को परेशान करते हैं, आप देखोगे छोटे शहर में आप परेशान हो जाओगे कुछ भी बनवाने में, इतना दौरा देगा आपको तहसीलदार BDO छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं, आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनसी सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये चीज़ होता है, और ये कॉन्फ्रेंस होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से कि क्या ऐसा किया जाए कि गवर्नेंस और अच्छा हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है कि बहुत सारे सर्विसेज को उन्होंने क्या किया है, डोर स्टेप डिलीवरी कर दी है, आपको पासपोर्ट चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरो, एकदम फ्लिपकार्ट के एजेंट की तरह आपको आएगा कहकर सर ये लीजिए आपका पासपोर्ट, ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट करना है आपको, ये सब किसका पार्ट है, ई गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है,
इसका थीम लिखे डिजिटल इंडिया सक्सेस एंड एक्सेलेंस, सक्सेस एंड एक्सेलेंस। जब भी कोई कमिटी होती है, गेम होता है, तो एक थीम दिया जाता है, ठीक है। तो ये थीम दिया गया है, कभी कभी थीम से क्वेश्चन आता है। तो इससे दो फायदा होगा, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एक कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे जो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव है वो क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए होंगे, क्योंकि हर एक आईएएस ऑफिसर जो होता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो वो भी अपने आप को यहाँ पे दिखाएंगे कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। आपको ये वेन्यू याद रखना है, आप चीज़ें समझ गए कि ये क्या है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल फिंगरप्रिंट, डिजिटल फिंगरप्रिंट। डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड आयरिस स्कैनिंग सिस्टम। अच्छा, आप लोगों ने कोई ऐसा वीडियो देखा है, YouTube पे देखा होगा कि कुछ चोर घुसे ATM में या घर में, या तो ATM उखाड़ के ले गए या घर में चोरी कर रहे हैं और मुंह बांधे हुए हैं। देखा कभी ऐसा वीडियो, मुंह बांधे हुए हैं, ठीक है। कभी कैमरा की तरफ भी देखते हैं, वो लोग मुस्कुरा भी देते हैं, तो मुंह बांधे में पता चल नहीं पाता, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इसका सहारा लेती है फिंगरप्रिंट का। अब फिंगरप्रिंट का सहारा लेती आप क्या करोगे, उन्होंने कुछ टच किया ही नहीं। आपने देखा, आपने सुना होगा बहुत एक मशहूर केस है दिल्ली का, आरुषि तलवार हत्याकांड, उसमें पता ही नहीं चल पाया क्या हुआ, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा रोड रोड पे लगे हैं, लेकिन पता नहीं चला कौन गया कौन आया, मर्डर हो गया। अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स मर्डर था, आज बेटी का मर्डर हुआ, कल नौकर का मर्डर होगा, एक दिन बाद, बहुत कंट्रोवर्शियल केस था। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो कैमरा की तरफ देख के मुस्कुराते हैं ना, इनकी मुस्कुराहट बंद करेंगे, है ना। तो कहा कि बच्चों फिंगरप्रिंट तो हम लेंगे ही तुम्हारा, अब तुम्हारा हम आयरिस भी लेंगे, जो तुमने कैमरे की तरफ देखा। तो बड़ी सेंसिटिव कैमरा यूज करते हैं वो लोग, आपके आंख के फोटो खींच लेगा वो, ठीक है, वो आंख का फोटो खींच लेगा। बचपन में कहावत होती थी कि सांप को मत मारो, आंख का फोटो खींच लेता है सांप, फिर नागिन आएगी, है ना। तो वो नागिन का काम गवर्नमेंट करेगी यहाँ पे, और वो आपकी फ़ोटो खींचेगी मल्टीपल सीसीटीवी कैमरा से, और आपकी आइडेंटिफिकेशन अब क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी कैमरास लगे हैं उसके अंदर सेंसिटिव कैमरास रहेंगे, अब आपके आयरिस की फ़ोटो खींच लेगी, और क्या होगा, आधार तो आपने बनवाया ही है, आधार बनाते समय याद होगा आपका, बड़ी गंदी शक्ल आती है आधार में, बड़ी गंदी शक्ल आती है, समझ रहे हो। मैं तो जाके पूछा था एक बार कि सर चेंज हो जाएगा क्या, कहा कि नहीं यही रहेगा, तो मैं आधार निकालता नहीं हूँ बाहर, समझ रहे हो। आपने आधार में तो आयरिस दिया ही हुआ है, कैमरा और लगा दिए, कैमरा क्या करेगी, ये कैमरा लगी रहती है, ठीक है, ये कैमरा लगी रहती है, कैमरा आपका फ़ोटो खींचेगी, ये डेटाबेस भेजेगी, डेटाबेस ये है आधार डेटाबेस, यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। क्या नाम है आपका, हाँ तेज बोलिए, मंटू, मंटू पटेल, ओके। तो मंटू पटेल जी ने मान लेते मर्डर किया और कैमरा देख के मुस्कुरा दिया मर्डर करते समय, इनकी मुस्कुराहट चली गई यहाँ पे डेटाबेस में, और यहाँ पे तुरंत मंटू पटेल जी का बहुत बढ़िया आधार वाला फ़ोटो आएगा, एड्रेस आएगा, पिताजी का नाम आएगा, और उसके बाद घर पर इनके क्राइम ब्रांच वाले पहुँचेंगे, पुलिस नहीं क्राइम ब्रांच वाले बहुत मारते हैं, समझ रहे हो। ये समझ के क्या है,
अब यहाँ पे जानने की है कि सबसे पहले किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव किया। लिखिए महाराष्ट्र ने सबसे पहले ये इंस्टॉल किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये इंस्टॉल किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू इंस्टॉल दिस सिस्टम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। जब से आईरिस का स्कैन होने लगा तब से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, पहले फिंगरप्रिंट होता था, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा एक डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, ठीक है, एक क्राइम ब्रांच वाले डेटाबेस तैयार कर रहे हैं इंडिया में, और जितने भी क्रिमिनल हैं और जितने भी लोग हैं इंडिया के, उन सब का डेटा तैयार होगा एक, ठीक है। और जब भी क्राइम होगी, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे गोली मारते हैं किसी को, दुकान में किसी को गोली मारते हैं, कैमरा में आते तो हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जो सीसीटीवी कैमरा जो हाई रेजोल्यूशन के होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि अभी जो चांद पे हमारा विक्रम है उसको 100 किलोमीटर दूर से ऑर्बिटर ने फोटो खींच लिया उसका, 100 किलोमीटर दूर से, समझ रहे हो। तो ऐसा कैमरा बन सकता है ना कि आप तो रूम में हो, आपका आँख का एकदम फोटो बढ़िया खींच ले वो हाई रेजोल्यूशन। अभी अमूमन जो कैमरा होते हैं वो अच्छे नहीं होते, आप देखोगे फोटो क्लियर नहीं आता है, नॉर्मल कैमरा लगाए जाते हैं, लेकिन हाई रेजोल्यूशन से फोटो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे सारे क्रिमिनल का बायोमेट्रिक तैयार किया जाएगा और जो भी क्राइम होगी उसको उस बायोमेट्रिक से तुरंत मिलाया जाएगा। अभी भी है लेकिन अभी जनरली फिंगरप्रिंट वगैरह होता है और कुछ क्रिमिनल्स के फोटो है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग स्टेट के पास अपना अलग अलग होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसका मिसयूज भी हो सकता है ना, तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, इस पर भी काम चल रहा है। ये आपको याद रखना है कि पहला ये बायोमेट्रिक स्कैनिंग वाला सिस्टम महाराष्ट्र में आया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, लिखिए मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन। मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, मंटू जी लिखिए, कोई दिक्कत है, समझ में आ रही चीजें, सवाल पूछूंगा अगली बार, डंडा भी लेके आऊंगा और उल्टा हाथ करके मारूंगा। सोचो, याद है स्कूल में मारते थे टीचर उल्टा हाथ करके, मतलब कैसे टीचर हुआ करते थे यार, बताओ। प्यार से समझाने में तो क्रिमिनल भी समझ जाता, वो भी कहता चलो जाओ मर्डर नहीं करेंगे आ जाओ, है ना, स्टूडेंटों को उल्टा करके मारते थे। इसका नाम सुना है आप लोगों ने किसी ने, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, चलो ठीक है, नहीं सुना है बहुत अच्छी बात है, आदमी जब थोड़ा बहुत जानता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक, म्यांमार साइड में। अब किस कॉन्टेक्स में हम बात कर रहे हैं, लिखिए 10th मिनिस्ट्रियल मीटिंग, 10वां मीटिंग हुआ है मंत्री लेवल के, कहाँ हुआ है, बैंकॉक, कहाँ है बैंकॉक, थाईलैंड में, ओके। ये मीटिंग हुआ है और ये मीटिंग थाईलैंड में हुआ है इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। ठीक है, नीचे लिखिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री, कौन है विदेश मंत्री, एस जयशंकर, ठीक है। लिखिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है, 10th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड, एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, उसके पहले क्या थे ये,
इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, आईएफएस ऑफिसर थे। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी से एसएससी करो, फिर पीसीएस करो, फिर आईएएस करो, विदेश मंत्री बनने के चांसेस हैं अगर आप अच्छे से करोगे तो। लेकिन करते नहीं ना लोग, जॉब लग जाए 30-40 हज़ार मिल जाए, घर में बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल इन इंडिया। एक कप कॉफ़ी लेके हम लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम क्या कहते हैं चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, एग्जाम्पल के लिए बताइए कोई ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएन, वेरी गुड। और क्या है, बहुत सारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, बहुत सारे बोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मेंबर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, रीजनल। ठीक है, रीजनल का क्या एग्जाम्पल है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, आसियान। ठीक है, SAARC, वेरी गुड। और तीसरा क्या होता है, सब रीजनल। सब रीजनल, ये जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये सब रीजनल है। ठीक है, आसियान के थक गए क्या क्लास है मैथ की, अच्छा अच्छा ठीक। एक है सब रीजनल कोऑपरेशन, ये सब रीजनल है। ठीक है, अब इसके मेंबर्स का थोड़ा नाम लिखिए, आप लोग लिखिए सदस्य और आगे हाइफन देके लिखिए मेंबर्स का नाम। लिखिए सदस्य, मेंबर्स, ये भी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 15 या 16 में, मेंबर्स पूछे थे, लोग यहां भी फंस गए थे। ठीक है, क्या हो गया दिक्कत आपको, सब रीजनल। अब मुझसे पूछिए, मैं खड़ा ही हूं बताने के लिए। ठीक है, ये लिखा है था इतना बड़ा एग्जांपल, लिखिए मेंबर्स, लिखे लिखिए इंडिया, इंडिया प्लस 5 आसियान मेंबर्स, 6 टोटल। आसियान मेंबर्स जो 5 है उनका नाम लिखिए, लिखिए म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम। ये पांचों देश आसियान के भी मेंबर है और ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो बना है मेकोंग गंगा उसके भी मेंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा मेकोंग क्या है, रिवर है, एक रिवर है। ठीक है, एक नदी है। और आप रिवर बेसिन का नाम सुने हो, आप लोग बेसिन का नाम सुने हो, रिवर बेसिन का नाम, कहां फोन पे लग गए तुम, फोन आ रहा था, रिवर बेसिन का नाम सुने हो आप। अरे एक जो रिवर होता है जिस जिस देश में होके निकलता है उस सारे देश को मिला के बेसिन कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, गंगा बेसिन है, तो ये जो रिवर है मेकोंग ये पांचों देश में होके निकलता है। ठीक है, इसलिए इस कॉर्पोरेशन का नाम मेकोंग गंगा रखा गया है और इसके अलावा एक इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशन, ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये 6 मेंबर्स हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप बताइए मुझे, आप बताइए यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, बताइए यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। रीजनल क्यों बनता है,
एससीओ क्यों बना है? एससीओ क्यों बना है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं अपने रीजन के जो उनके काम हैं उनको सही रूप से संचालित करें और अपने इंटरेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे रखें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखें, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये रीजन के बहुत सारे मेंबर बन जाते हैं और अपने बात को जब ये कहते हैं तो एक आवाज़ जो गूंजती है इनकी, है ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। इसी तरह इंडिया ने ये बनाया, ठीक है, और वहाँ से उनको मेंबर बना के जब मेंबर बनते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनते हैं कि भाई ये काम आप लोग करेंगे, जैसे शिमला एग्रीमेंट में हुआ था। तो ऐसे जो रूल बने थे अब उसको इंडिया को ये इस्तेमाल करके और इन पर भी थोड़ा सा दबाव डालता होगा एससीओ पे, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। लिखे नेक्स्ट, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस कॉन्टेजियस वायरल डिजीज, मतलब तुरंत फैलेगा ये, ठीक है, बहुत तेजी से फैलता है। ये तीनों चीजों को अटैक करता है, आपकी सांस लेने की क्रिया में प्रभाव पड़ेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी एकदम कमजोर हो जाएगी, आपको बीमारी बुखार उखार तुरंत लग जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, इसको आप लिखो पहले, समझो। अब क्या हुआ है कि रिसेंटली ऐसा पाया गया है कि भारत के जो टाइगर्स हैं उनको खतरा है इस वायरस से, ठीक है, इस वायरस से भारत के टाइगर को खतरा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, हम लोग टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके जान को खतरा हो हम उनको ऐसे ही जाने दें? पॉसिबल नहीं है ना, हम उसके लिए काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। तो ये जब बात उभर के आई तो पता चला कि कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पर कुछ कुत्तों को बुलाया गया, उनको पकड़ा गया और उसमें टेस्ट किया गया इस वायरस के बारे में, तो पता चला कि तकरीबन 80% डॉग्स जो हैं वो क्या हैं, उनमें ये वायरस पाया गया है, ठीक है। अब टाइगर है कुत्ते को मार दे या कुत्ता मर जाए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, तुरंत फैलने वाला, एकदम संपर्क में आओगे आपको हो जाएगा। अब बताओ किसी नेशनल पार्क में 80% डॉग्स का उन्होंने वो किया, सैंपल निकाला, उसको ये बीमारी है, तो टाइगर के साथ क्या हो सकता है, खाएंगे मर सकते हैं। और ऐसा हुआ है कि अफ्रीका के 30% जो अफ्रीका के लायंस थे वो इस बीमारी से मर गए, 30%। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई है और इसको इस पर काफ़ी काम हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दो पार्क उभर के आए हैं इसके लिए, नेशनल पार्क, ठीक है, अब आपको उन दोनों का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम ने ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है कि वो दोनों कहाँ हैं, लिखिए दोनों का नाम। रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर रणथंभौर नेशनल पार्क, एक ये न्यूज में था जहां पे ये डॉग्स वहां पे पाए गए हैं, कॉन्टेजियस हैं, और गिर कहां है, गुजरात में, ठीक है, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनफैक्ट गिर में क्या हुआ था, 2018 में 20 शेर यहाँ पे मर गए थे इसी बीमारी कारण, 20 शेर, लॉस ऑफ 20 लायंस, ठीक। तो आपसे ये दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा ये कहाँ है, ठीक है। गिर जो है ये गुजरात में है,
और ये राजस्थान में है। क्लियर है? ठीक है, गुजरात और राजस्थान में। क्या बोल रहा है? कुत्तों को? हाँ, कुत्तों को हुई है, बहुत ऐसे छोटे छोटे जानवर को भी हुआ है, लेकिन टाइगर्स वगैरह को जब संपर्क में आते हैं तब होता है। ठीक है, क्योंकि दूर ही रहते हैं, दूर इसलिए रहते हैं, कुत्ता सिर के सामने कहाँ आएगा, भागता चलता है वो, लेकिन वो मर जाए अगर तो उसको टाइगर खाएगा तो उसको होने, क्योंकि कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संपर्क में जैसे ही आओगे आपको हो जाएगा, जैसे वायरल फीवर कॉन्टेजियस होता है। आप देखोगे चिकन पॉक्स कॉन्टेजियस होता है, आपके घर में किसी को होगा आपको भी हो जाएगा अगर आपको कभी नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों नेशनल पार्क बहुत न्यूज़ में है, और यहाँ के कुत्तों को पाया गया है कि इसको 80% को जिसको जाँच हुआ है, मतलब यहाँ के 80% डॉग्स नहीं, जो सैंपल निकाला गया है उस सैंपल के 80% को पाया गया है कि ये है। ठीक है, तो अभी जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, काफ़ी एक्टिव हो गई है कि किसको किस तरह सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, समझ में आ रही है कोई दिक्कत? बोरियत तो नहीं हो रही है? मैं चुटकुला नहीं सुनाता हूँ, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपको चुटकुला सुन के पढ़ना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। समझ रहे हो? लेकिन सही नहीं होता, माइंड आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, तो आप पढ़ाई करोगे, हंसते खेलते जाओगे। मुखर्जी में बहुत टीचर हंसाते ही हैं केवल। अब क्या होता है, हंसने के साथ पढ़ने में दिक्कत एक क्या होता है कि आपका माइंड का जो रिसेप्टिंग कैपेसिटी होती है ना, बच्चों को तो पता नहीं है, आपके माइंड की जो रिसेप्टिंग कैपेसिटी है, जो नॉलेज को गेन करती है, वो थोड़ा बंद हो जाता है और हंसने वाला खुला रहता है। हंस तो लोगे, घर पे जाओगे हंसते हुए, वहाँ जाके सोचोगे मैंने पढ़ा गया आज। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि हंसो, घर पे जाके हंस लेना। अब मेरे साथ हंसना है तो चलना, यहाँ से बाहर हंसाते ले चलूँगा। ठीक है, लिखिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। अच्छा, इस टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? स्पेस की बात हो रही है, वहाँ के सिचुएशन की बात हो रही है, उसके लिए अवेयरनेस की बात हो रही है, फिर उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, और फिर सेंटर की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा जो बाहुबली रॉकेट है, क्या नाम है इसका, बाहुबली रॉकेट का PSLV कौन बोला? PSLV कौन बोला? आप बोले GSLV, क्या नाम है उसका? GSLV पूरा देखिए, इसका नाम बिल्कुल GSLV Mark 3। मार्क का क्या मतलब हुआ? स्मैक का क्या मतलब हुआ? मैक का क्या मतलब हुआ? आपने साइंस में पढ़ा होगा स्पीड होती है, Mach 1, Mach 2, Mach 3, पर है वो Mach 3 जो स्पीड है ना, वो बहुत सुपरसोनिक स्पीड होती है, उसी स्पीड से ये जाता है, इसलिए इसको नाम मैक। और मूवी आई थी बाहुबली, उसके बाद इसको भी बाहुबली कहते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत ढंग से उड़ता है। आपने YouTube पे नहीं देखा हो तो उसको जाके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पता नहीं आप बच्चों ने देखा कि नहीं, बहुत आपको अच्छा फील होगा, एकदम मतलब लगता है कि बाहुबली जा रहा है, समझ रहे हो। और इसमें क्या था, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, विक्रम था। विक्रम क्या था? लैंडर था। उसके अंदर क्या था? प्रज्ञान। अब देखो, हमें भेजना तो विक्रम और प्रज्ञान और ऑर्बिटर था, तीन चीज़ भेजनी थी। ठीक है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, लेकिन इसमें पूरा रॉकेट गया ना, तो रॉकेट का क्या हो गया कि धरती के जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसके बाहर निकल गया। अब यहाँ पे कोई सामान है तो गिरेगा तो नहीं, तो क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा स्पेस में, करता रहेगा ना। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा चांसेस है कि हमारा जो नेक्स्ट रॉकेट जाए तो उससे लड़ जाए? चांसेस है ना। जब प्लेन उड़ता है, सोचो इतना बड़ा प्लेन, एक छोटी सी बर्ड से टकराती है प्लेन, तो क्या हो जाता है, आग लग जाता है, लग जाता है ना। इसी को कंट्रोल करने के लिए ये सेंटर खोला गया है। इसके पहले अमेरिका से हम मदद लेते थे, लेकिन अमेरिका, जानते हो आप लोग, जो सामान इस्तेमाल कर लेता वो हमें देता है। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या दिया हुआ है? F-16।
वो भी बहुत खतरनाक है, खुद क्या बना लिया उन्होंने, F-35, ठीक है। तो अमेरिका जो डेटा हमें देता है ना, वो बहुत अच्छी डेटा नहीं होती है, पर हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनको लगा कि हो सके हमारा जो सैटेलाइट हम भेजे या रॉकेट भेजे तो हमें दिक्कत हो जाए, ठीक है। इसके लिए इसरो के साइंटिस्ट, आप जानते हो, बहुत मतलब जीनियस लोग हैं हमारे इसरो में। इनफैक्ट नासा में जाए तो 20-25% शायद इंडियन ही है, नासा में भी 20-25% इंडियन है, ठीक है। अमेरिका में जाओगे सिलिकन वैली में 20-30% हमारे इंजीनियर्स हैं वहाँ पे। तो टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब क्या है दिक्कत कि टैलेंट के साथ साथ क्या चाहिए, पैसा चाहिए। सैलरी यहाँ थोड़ी कम हो जाती है। एक IAS ऑफिसर की सैलरी कितनी है, 60,000 रुपये, 50-60,000 रुपये। जितना बड़ा काम है सैलरी है उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझो आप, हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, कहा गया है। सुना आप लोगों ने नाम पढ़ा है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में, प्रस्तावना पर है सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब होता है कि हर एक आदमी के जरूरतों को पूरा किया जाएगा, ना कि आपके आपके जो मान लो कि आपकी एक तो जरूरत होती है, एक पागलपन होता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी कार जरूरत है ना, फेरारी पागलपन है कि नहीं। तो सोशलिस्ट कंट्री का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आप कहोगे कि आपको बहुत कुछ मिल जाए। इसलिए जब भी कोई आदमी IAS ऑफिसर बनता है तो क्यों बनता है, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, वो बनता है सेवा करने के लिए, सर्विस के लिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, सर्विस के लिए बनता है, ठीक है। बाकी क्या है वो हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सर्विस के लिए बनते हैं लोग। और बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वी हैव जीनियस ऑफिसर्स इन इंडिया। और नहीं होता ऐसा, सब कहते हैं सब करप्ट हैं, ऐसा हो सकता है, सब करप्ट होते तो क्या होता देश का हालत अभी। अगर सारा पिलर खराब हो जाएगा तो घर क्या होगा, नीचे चला जाएगा ना, एक घर तो नीचे है नहीं। 70 साल हो गए आज़ादी के, और 70 साल में जितना इम्प्रूव किया है, कम थोड़ी इम्प्रूव किया है। डिपेंड करता है ना आप क्या देख रहे हो, ग्लास इज हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है ना। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत पहले लोग कहते थे, पता नहीं बातें बड़ी बड़ी होती हैं, पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन हो सके पूछा होगा। आधा ग्लास पानी रखा था, पूछा कि व्हाट इज दिस, तो कहा कि सर द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, कहा कि गो आउट। फिर एक बंदा आया, कहा कि व्हाट इज दिस, कहा कि सर द ग्लास इज हाफ फुल, तो कहा कि यू आर इन, कल से आ जाना तुम। आपके मानसिकता को दर्शाता है ये, बात तो वही किया आपने, लेकिन आपको देखता है कि आप पॉजिटिव देख रहे हो या निगेटिव देख रहे हो। आपका एग्जाम है, 20 दिन बचे हैं, अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने 3 महीने से पढ़ा ही नहीं, दूसरा बंदा ये देख रहा है कि 20 दिन अभी पढ़ूंगा, है ना। तो ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो इसी को देखते हुए ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर खोला गया है। और ये क्या करेगी सेंटर, हमारे जो सैटेलाइट होंगे उनमें चिप्स होते हैं, उनको मैसेज देगी कि आपके 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे डेब्रिस है, उधर से आपको थोड़ा सा टर्न लेना है, ठीक है। अब ये सेंटर कहाँ खुला है ये थोड़ा सा लिखते हैं, कहाँ खुल सकता है, गेस कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बेंगलोर में ही है, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 7 करोड़, ठीक है। तो अब हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, इसरो के तकरीबन 50 सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में है अभी, ठीक है। ठीक है, 50 सैटेलाइट तकरीबन हमारे स्पेस में अभी, क्या बोल रहे हैं, तेज बोलो आप, क्या 54, हाँ फिर तकरीबन, मैंने इसलिए बोला तकरीबन, है ना, तकरीबन 50 है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए इसको ध्यान नहीं देते हैं। तकरीबन 50 सैटेलाइट्स हैं। अब ये क्या होते हैं, ये क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो डर है कि कोई डेब्रिस कोई मलबा से टकरा जाए। अब ये सेंटर उन सब सैटेलाइट को मैसेज देगा कि आप ऐसे टर्न को ऐसे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, कॉन्टेक्स्ट समझ गए। और आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ों को जब, जैसे मैंने आपको समझाया, आपको चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम हॉल में, ठीक है। आपको आते ही अभी 2 महीना बाद ये क्वेश्चन आएगा तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। यही फ़ायदा होता है क्लास में पढ़ने का, ये आप किसी मैगजीन में पढ़ोगे आप भूल जाओगे तुरंत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर क्यों खोला गया है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कुछ भी, सैटेलाइट जो है वहाँ मदद करने के लिए, स्पेस स्टेशन जो बन रहा है इंडिया का 2030 तक बनेगा,
उसकी मदद के लिए, है ना, जो डिब्रिस हैं उनसे अपने सैटेलाइट को बचाने के लिए, तो है ना, तो आपको जवाब उसके अनुसार देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा ड्राइव। लॉन्च्ड बाय HRD, ठीक है। HRD मिनिस्ट्री कौन सी होती है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड काम होती है वो HRD करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि बच्चों आप घर पे पानी बचाओ, ठीक है। टारगेट क्या है? टारगेट है कि हर एक बच्चों को कहा जाएगा कि 1 लीटर पर डे पानी आपको बचाना है। हर एक स्कूल के बच्चों को समझाया जाएगा कि 1 लीटर पानी आपको बचाना है। जैसे कि एक बाल्टी पानी से आप नहाते हो तो एक मग पानी निकाल के बाहर रख दो और बाकी से ना हो, उससे क्या होगा, साल में कितने पानी बच जाएंगे एक बच्चे से, 365 लीटर। और ऐसे कितने स्कूल के बच्चे हैं इंडिया में, अनगिनत बच्चे हैं, तो कितना पानी बचेगा, है ना। तो आपको याद रखना HRD मिनिस्ट्री ने चलाया है, और दूसरा आपको याद रखना है फॉर अवेयरनेस एमोंग कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आपने सुना होगा जल संचय, है ना, बार बार हर एक मीटिंग में कहते रहते हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन मिनिस्ट्री, मंत्रालय क्या, कौन है आप देखिएगा मिस्टर कौन है, अभी जाके पकाज हो गए तो उसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है शायद, वाटर या कुछ ऐसे है शायद, है वो थे, वो प्रकाश जावेदकर थे। अभी आप जाके चेक कर लेना मोबाइल पे, ठीक है, उसको लिख लेना, कभी एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है। चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखिए वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अब ऐसे अवार्ड में पूछा जाता है कि ये अवार्ड किसके द्वारा लॉन्च हुआ, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है जनरली, ठीक है। लिखिए ठीक है, नीति आयोग। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखवाया आपको, ऐसे बहुत सारे अवार्ड होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस अवार्ड को देने के लिए नीति आयोग किसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, UN के साथ, ठीक है। एकदम ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन की जगह कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आए आपको, यूनिसेफ कुछ भी, ये ध्यान रखना है कि UN है ये, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है। SCO आ जाए, आसियान आ जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एकदम ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड है नीति आयोग UN के साथ मिलकर कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि नीति आयोग का गठन कितने तारीख को हुआ था? नहीं, 14 में नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल सही जवाब, एग्ज़ाम आया था उसमें इन्होंने पूछा था कब हुआ था, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अक्टूबर 2015, 1 दिसंबर 2015, फंसा दिया था बच्चों को, सब मार गए थे अप्रैल, कपूर लगा कि बजट आया होगा उसका लागू किया होगा, 80% लोगों का जवाब गलत हो गया था।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब ये अवार्ड किस लिए है? तो जो वुमेन बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन होती है, एंटरप्रेन्योर होती है वुमेन, जो महिलाएं, उनको बढ़ावा देने के लिए अवार्ड है। और जो भी महिलाएं अच्छा काम करी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, आप लिख सकती हैं बिजनेस वुमेन को। एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो बिजनेस में आए, क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि वुमेन ज़्यादा एथिकल होती है ना। ठीक है, ऐसा भी हर एक जेंडर को बिजनेस में आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जब इक्वल पॉपुलेशन है तो। लिखिए नेक्स्ट। सुना है नाम रोटावैक वैक्सीन? रोटावैक वैक्सीन फॉर रोटा वायरस। कॉजेज डायरिया, समझते हैं, बच्चों को हो जाता है, छोटे बच्चों को जनरली, ठीक है, और बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत बच्चे मरते हैं इससे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए भारत ने, गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन का इजाद किया है, और ये भारत का पहला देश के अंदर डेवलप किया गया वैक्सीन है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके अंदर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला वैक्सीन कौन सा है रोटावायरस, या किस डिजीज़ के लिए हुआ है, तो डिजीज़ आपको याद है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, हेपेटाइटिस सी, कैंसर, है ना, आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन। और रिसेंटली क्या हुआ है कि WHO ने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है, WHO क्या है? हाँ, अप्रूव कर दिया है। अप्रूव होने के बाद क्या होता है, कोई मेडिसिन जब WHO अप्रूव करती है तो उसको बाहर देश में बेचा जा सकता है, कैन बी सोल्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, भारत के बाहर इसको बेचा जा सकता है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत डायरिया के पेशेंट होते हैं, तो वहां भी इसको बेचा जा सकता है। लिख लिया, ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत के वन क्षेत्र से, भारत के वन क्षेत्र के लिए एक रिपोर्ट आया है नया। इसमें क्या बताया गया है कि भारत में कितने फॉरेस्ट हैं, वन हैं, और किस स्टेट में कितने हैं। ठीक है, तो भारत में कुल प्रतिशत एरिया का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया गया है अभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 24 में इसमें फंस जाओगे आप, क्योंकि 24 तो पता है परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, 24.34, 49, 64, 54, है ना, तो ये सब चीज़ें एकदम याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको नहीं भूलना है। लिखिए, तकरीबन 25% हमारा वन क्षेत्र है, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री या जो अंतर्राष्ट्रीय इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन से, वो क्या कहती है एक देश में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए?
33 आइडियल है, ठीक है, आइडियल होना चाहिए 33%, काफ़ी करीब है, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी होती हैं, बहुत सारे वन विभाग के लोग वो रोड रोड का पेड़ है सब काउंट कर लेते हैं, है ना, जहाँ एकदम नहीं है वो गमला उमला सब काउंट कर लिए, तो वो सब सही नहीं है। वन मतलब वन होता है ना, अब बाहर में रोड पे पेड़ लगा है बरगद का उसको काउंट कर लिया तो वो सही नहीं है ना, उसका एरिया निकाल लिया कि हाँ ये एरिया है, ठीक है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ देखेंगे, अच्छा ये तो टोटल है, सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कहाँ है एरिया वाइज, कहाँ है, मैंने बोला एरिया वाइज, एरिया वाइज मतलब क्या होता है, परसेंटेज, एरिया वाइज मतलब परसेंटेज होता है ना, टोटल एरिया मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कितने किलोमीटर कहाँ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ लिखिए, लक्षद्वीप में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं गलत करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है। लक्षद्वीप के एरिया का कुल गेस कीजिए कितना होगा, उसके यूटी का 97% वन है उनके यहाँ, सोचिए कितना खूबसूरत जगह होगा, है ना, मुखर्जी नगर, शब्द ही नहीं है मेरे पास, एक से एक स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, है ना, आपने कुछ कर्म बुरे किए होंगे जो मुखर्जी नगर इतने दिन रुके हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया लक्षद्वीप के बारे में, और अगर हम जब एरिया वाइज बात करते हैं टोटल सब्जेक्ट भाई कितना एरिया किलोमीटर में, तो वो कौन सा है, ये परसेंटेज वाइज हो गया, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, टोटल एरिया वाइज, ठीक है, टोटल एरिया वाइज 85,487 स्क्वायर किलोमीटर, 85,487 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लोवेस्ट कौन हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब हरियाणा, हरियाणा सबसे लोएस्ट है 6.79%, हरियाणा के बाद उसका बगल का भाई ही है पंजाब 6.87%, उसके बाद ये भी बगल गई हैं राजस्थान 7.26%, दो स्टेट और इम्पोर्टेंट है यूपी और बिहार, ये दोनों एग्ज़ाम आने वाले हैं इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको, यूपी का है 9.18% और बिहार का है 10.15%, ठीक है, बिहार का इम्पोर्टेंट है 10.15%। एक ऑटोबायोग्राफी आई है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, मतलब जिंदगी ने मुझे कुछ सिखाया है जो मैं नहीं जानता था कि मुझे जिंदगी सिखा रही है, किसने लिखा ऑटोबायोग्राफी है, अनुपम खेर ने लिखा है, पता है सबको, ठीक है, पता है, लिखवाओ नहीं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए आप, ये हो गया पूरा, ये डेटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये किताब लॉन्च हो गई अनुपम खेर की, पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे, लक्षद्वीप में है, स्टेट वाइज आप पता करना, देखना क्या है, बहुत सारा डेटा है ऐसे, लेकिन मुझे लगता है एमपी ही होगा एरिया वाइज है, स्टेट वाइज परसेंटेज कौन सा स्टेट है, गोवा हो सकता है, केरला, केरला और गोवा में बहुत ज़्यादा वो है, केरला और गोवा में भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इन्हीं में से कोई एक स्टेट है शायद, मिजोरम में भी बहुत ज़्यादा है, सही बोल रहे हो तुम, हाँ मिजोरम में बहुत ज़्यादा है परसेंटेज है,
साउथ इंडिया में ये दोनों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिखिए मिशन रीच आउट, फटाफट एक दूसरी चीज़ और लिखते हैं फिर चलेंगे, फटाफट लिखिए। वो जाके ऑनलाइन तुम चेक करना क्या है, वो टाइप करो यूरोप में, फिर ऑटोबायोग्राफी तो खुद ही आ जाएगा। मिशन रीच आउट, आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद भारतीय आर्मी द्वारा ये मिशन चलाया गया है, जिसके तहत जम्मू के लोगों को ज़रूरत की जो सेवाएं हैं उनको मुहैया कराई जाएगी, प्रदान कराई जाएगी, ठीक है। हो गया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, लिखिए काजिन सारा लेक, लिखो तुम, नीचे छोड़ना क्या है, इधर दिमाग में हो जाना चाहिए जो मैंने बोला। क्या चाहिए तुम्हें? एब्रोगेशन ऑफ, मतलब लॉन्च बाय इंडियन आर्मी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 372। एब्रोगेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ठीक है। ये लिख लिए काजिन सारा लेक, ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक है ये, अभी हाल में खोजा गया है, कहां पे इसको, नेपाल में, किसके द्वारा, कुछ माउंटेनियर गए हुए थे ऊपर, है ना, उन्होंने देखा कि एक लेक है यहां पे, तो उन्होंने आगे बताया कि वहां ऊपर एक लेक है, ठीक है। नेपाल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काजिन सारा लेक कहां है पूछा जा सकता है, या दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा लेक कहां पे है, ठीक है। इसके पहले एक लेक था वो भी नेपाल का था, लेकिन अब ये बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर, अब क्या और लिखवा दूँ कुछ, फटाफट लिखिए, एक दो चीज़ लिखवाता हूँ। लिखिए वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे 10 अगस्त, बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स होते हैं जैव ईंधन, गन्ना से जो यूज़ किया हुआ तेल से, गोबर से जो ईंधन बनता है जो पोल्यूशन कम करता है उसको ये कहते हैं। काफ़ी न्यूज़ में है बायोफ्यूल्स पोल्यूशन कम करने के लिए, इसलिए ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखिए कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को, 10 अगस्त को। थीम क्या था इसका, थीम लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल, ठीक है, इसका थीम था। एक और लिख लेते हैं, इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल यूथ डे लिखिए, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका भी थीम लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन।
ठीक है, बाकी कुछ है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, समझ में आ रही चीज़ें? तो धीरे 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 करके हम लोग बहुत सारा करंट अफेयर्स कर लेंगे और लास्ट में आपको बेचैनी नहीं होगी। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको लगेगा मुझे करंट अफेयर्स अच्छे से आता है। ठीक है, आपको मैं कुछ दे दूंगा, ठीक है, नोट्स आपको जो, ठीक है, मैंने जो आपको बोला था वो मैं आपको दे दूंगा। अभी तो टाइम है ना एग्ज़ाम में, अभी टाइम है ना एग्ज़ाम में, हाँ तो टाइम है ना, अभी तो क्लास में आएंगी ना आप, हाँ तो मैं आपको, हाँ तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से रिवाइज़ कीजिए आप लोग, ठीक है, जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हो जाएगा। और जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं वो आपको दिमाग में है, ठीक है, दिमाग में इसलिए है क्योंकि मैंने आपको